हाँ जी दोस्तों, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था लीनियर नॉन लीनियर स्टैटिक डायनेमिक सॉरी स्टैटिक डायनेमिक हमने नहीं देखा था, कोजल नॉन कोजल एंड टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट। तो चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। जरा देखिए क्या होता है स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। स्टैटिक को हम बोलते हैं मेमोरी लेस सिस्टम, मेमोरी लेस सिस्टम, और डायनेमिक का मतलब है विद मेमोरी, विद मेमोरी। तो ऐसे सिस्टम जिनमें कोई मेमोरी नहीं होती उनको बोलते हैं स्टैटिक सिस्टम और मेमोरी लेस सिस्टम, और ऐसे सिस्टम जिनमें मेमोरी होती है जो मेमोराइज करते हैं उनको क्या बोलते हैं डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, अब जरा देखिए मेमोरी लेस क्या होता है। अगर मैं इनपुट आउटपुट के लिहाज से बात करूं, इनपुट आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे सिस्टम जिनमें प्रेजेंट आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करते हैं वो क्या होते हैं स्टैटिक। ध्यान रखिए, ऐसे सिस्टम जिनमें प्रेजेंट आउटपुट जो है वो मेरी प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करते हैं, ऐसे सिस्टम को क्या होता है स्टैटिक सिस्टम, मेमोरीलेस सिस्टम। और ऐसे सिस्टम जिनमें प्रेजेंट आउटपुट इधर पास्ट इनपुट पे और फ्यूचर पे किसी में भी एक उस पे डिपेंड करे उसको हम क्या बोलते हैं डायनेमिक सिस्टम। जैसे देखिए हम लोग हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है डायनेमिक, क्यों? क्योंकि हमारी जो आउटपुट होती है, जैसे इमेजिन करो कि मैं मेरी एक इमेज बनी हुई है, मैं मेरे मुझे लोग मेरी पहचान बनी है कि मैं बहुत अजीब सा आदमी हूँ, मतलब बहुत फ्रेंडली नहीं हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा गुंडे वाला टाइप का आदमी, ठीक है, मान लीजिए मतलब इस तरह की इमेज बनी है, ठीक है, अपना अजीब लगता है। तो मार्केट में लोग मुझे जानते हैं इसी इमेज से, तो दुकानदार जैसे कोई दुकानदार है जो कोई चीज़ बेचता है, अब वो भी मुझे जानता ही है, ठीक है, मैं उससे कुछ चीज़ें खरीदने जाता हूँ तो मैं उसके पैसे नहीं देता, मतलब इस तरह का आदमी हूँ, मैंने कोई चीज ली उसे, कोई खरीदी कोई चीज और मैंने पैसे नहीं लिए, और मैंने बोला पैसे तुमसे लिए, तूने अगर पैसे लिए तो मैं तुमसे जोर जबरदस्ती करूंगा, तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगा या फिर मैं तुम्हारे साथ बैठे करूँ, सीधी बात इस तरह का आदमी, ठीक है। तो अब जरा देखिए एक दिन क्या हुआ, मैं जरा एक सिचुएशन समझाता हूँ आपको। एक दिन क्या हुआ कि मान लीजिए मैं मार्केट में गया तो दुकानदार ने मुझे देखते ही सबसे पहले क्या किया, महंगी महंगी जो चीजें थी छुपाना शुरू कर दी, ठीक है, और फिर मैंने क्या बोला, मैंने उसको जाके बोला कि कोई महंगा प्रोडक्ट बोल दिया कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, कोई महंगी चीज प्रोडक्ट बोल दी। उसने क्या बोला, उसने बोला कि प्रोडक्ट नहीं है, वो तो खत्म हो गया, इसका मतलब उसने आउटपुट दी, बट उसने जो आउटपुट दी है वो किसकी वजह, कौन सी इनपुट की वजह दी है? एक तो मेरी प्रेजेंट इनपुट, भाई मैंने प्रोडक्ट मांगा था उस प्रोडक्ट के बारे में उसने जानकारी दी, एक तो मेरी प्रेजेंट इनपुट है उसी के बारे में, जो मैंने बोला उसी के बारे में उसने जानकारी दी कि वो तो नहीं है जी। अगर मैं बोलूँ मैंने मुझे चीनी चाहिए तो वो मेरे को सर्फ के बारे में नहीं बताएगा या फिर साबुन के बारे में नहीं बोलेगा कि साबुन तो खत्म हो गया, मैं बोलूँगा तुम पागल हो, मैंने मांगी चीनी तुम साबुन की बात कर रहे हो, इसका मतलब जो मैंने प्रेजेंट इनपुट दिया उसी के बारे में वो आउटपुट दे रहा है, ठीक है, पहली बात ये। लेकिन जो उसकी आउटपुट है वो किस पर डिपेंड कर रही है, मेरी प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड नहीं कर रही, मेरी पास्ट इनपुट पर डिपेंड कर रही है, पास्ट में मैंने क्या किया उसके साथ, पास्ट में उसको पैसे नहीं दिए तो ऑब्वियसली वो क्या बोलेगा, उसके पास है वो सामान बट वो मुझे दे नहीं रहा है, क्यों नहीं दे रहा, प्रेजेंट इनपुट मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में पूछा वो कह रहा है ये प्रोडक्ट खत्म हो गया जबकि उसमें खत्म नहीं है, इसका मतलब उसने आउटपुट जो दी है वो किसकी वजह से दी है, पास्ट आ गया ना उसमें, उसको मेमोराइज कर लिया, मेमोरी है उसके पास, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा सिस्टम आपका डायनेमिक सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें मेमोरी होती है डायनेमिक वो डायनेमिक सिस्टम होता है, ऑलवेज याद रखिए, ऐसा सिस्टम जिनमें प्रेजेंट आउटपुट इधर पास्ट इनपुट पे और फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड करे या फिर दोनों पे डिपेंड करे, ऐसे को डायनेमिक बोलते हैं। और ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेजेंट आउटपुट केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करती है उसको हम क्या बोलते हैं स्टैटिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए जैसे डेरिवेटिव होते हैं डिफरेंशिएटर का मतलब चेंज, जो चेंज को बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज कैसे देखते हैं, चेंज क्या होता है मुझे ये बताओ, चेंज बोलते हैं ना आप बदल गए इसका क्या मतलब है, कोई अनजान आदमी मुझे आके बोले यार तुम तो बदल गए हो, मैं बोलूंगा यार क्यों झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे कब देखा, मतलब जब आप किसी को ये बोलते हो तुम बदल गए हो इसका मतलब आप आपके अंदर मेमोरी है, आपने उसको पास्ट देखा होगा, आपने उसको पास्ट में देखा होगा, नहीं समझे,
तो इसका क्या होगा, आप जानते हो, आपने मेमोराइज किया होगा। तो जब भी आप चेंज की बात करते हो, इसका मतलब आप डायनेमिक सिस्टम की बात करते हो। तो जहां पर भी डेरिवेटिव नजर आ जाए या अक्यूमुलेशन नजर आए, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करने का मतलब अक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, इकट्ठे करके आएगा कहां से, जो लिमिट होगी इसकी, माइनस इंफिनिटी से टी तक है, तो माइनस इंफिनिटी से अक्यूमुलेट करते हुए आएगा। इसका मतलब पास्ट को याद रखे हुए, सीधी बात समझा। डिफरेंशिएटर का मतलब चेंज, बदलाव। तो बदलाव भी हमेशा या तो फ्यूचर वैल्यू के साथ होता है या पास्ट वैल्यू के साथ होता है। अगर मैं प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में देखूं तो प्रेजेंट से पास्ट के रेस्पेक्ट में देखो, पास्ट में क्या वैल्यू थी उसके रेस्पेक्ट देखो, वो बदलाव चेंज, ठीक है। तो कुल मिला के जब भी डेरिवेटिव का कहीं भी आ जाए तो समझ लो कैसा सिस्टम है, डायनेमिक सिस्टम। जहां पर डिफरेंशिएटर आ जाए, जहां पर इंटीग्रेटर आ जाए, बिना धोखे बोल दो कि सिस्टम कैसे आपका डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। और प्रेजेंट इनपुट अगर पास्ट या फ्यूचर पर डिपेंड करे तो आपका तभी डायनेमिक सिस्टम। प्रेजेंट पे डिपेंड करती है, देन ओनली आप क्या बोलोगे, स्टैटिक, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर मैं आपसे ये बोलूं, मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है पाई डी टी स्क्वायर, तो आप देखते ही बोलोगे ये तो डिफरेंशिएटर आ गया, तो कैसा हो गया, डायनेमिक, ठीक है। डिफरेंशिएटर का मतलब है चेंज, जब भी चेंज आ जाए समझ लो सिस्टम कैसा बन जाएगा, डायनेमिक। दिस इज माय डायनेमिक सिस्टम, ठीक है, ये मेरा डायनेमिक सिस्टम, लीनियर कि नॉन लीनियर, ऑब्वियसली लीनियर, ठीक है। टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। कॉजल कि नॉन कॉजल, कॉजल, y का डेरिवेटिव ज्यादा x का डेरिवेटिव, सिस्टम इज कॉजल, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू x ऑफ माइनस t, बताओ कैसा है, स्टैटिक डायनेमिक, इट इज डायनेमिक। क्यों डायनेमिक बताओ, वन पुट करके देखिए, इसका मतलब जो वन पे मेरी प्रेजेंट आउटपुट है वन पे, वो किस पे डिपेंड कर रही है, पास्ट इनपुट, माइनस वन का जो इनपुट हुई है, पहले इनपुट आ रही ना, तो अगर मैं इसको प्रेजेंट मानूंगा तो पास्ट होगा, उससे पहले आ गया इनपुट, समझ लो। तो इसका मतलब प्रेजेंट आउटपुट मेरी पास्ट इनपुट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, ये कैसा रहेगा, कॉजल, दिस इज माय कॉजल सिस्टम, नो सॉरी डायनेमिक, दिस इज माय डायनेमिक, 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 ये डायनेमिक, बिकॉज़ प्रेजेंट इनपुट पास्ट इनपुट पे डिपेंड करता है। कोई और वैल्यू लेना तो फ्यूचर पे भी डिपेंड कर सकता है, कोई बात नहीं, पास्ट पे एक भी पास्ट आ जाए, एक भी फ्यूचर आ जाए, तो आपको क्या बोलना है, डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। और जरा देखिए, अगर मैं बोलता हूं y इक्वल टू x ऑफ t स्क्वायर, बताओ क्या सिस्टम है, अगेन डायनेमिक, क्यों भाई, चेक करके देखो, 1 पे देखो t की वैल्यू 1 पुट करो या 2 पुट करो, अगर आप 2 पे देखूंगा तो इनपुट कहां पे होगी, 4 पे। इसका मतलब पहले आउटपुट आ गई है, फ्यूचर में इनपुट आ गई, तो फ्यूचर पे डिपेंड कर गया। जैसे कहीं बोलते ना, कोई भविष्यवाणी करते हैं जो लोग, फ्यूचर के बारे में बताते हैं बाबा लोग, ठीक है, तो तुम बदलने वाले हो, इसका मतलब थोड़ा अजीब सी बात है, नॉन कॉजल भी आ गया वो, ठीक है, बदलने वाले हो, बट बदलाव को बता रहे ना वो, इसका मतलब क्या पता फ्यूचर को देख रहा हो, हालांकि ये अजीब सी बात है, फनी है, बट थिंग इज क्या पता फ्यूचर के रेस्पेक्ट में उसको दिख रहा हो फ्यूचर, और उसके रेस्पेक्ट में चेंज को बता रहा हो, आप समझे। तो इसका मतलब क्या क्या चीज होती है, डायनेमिक, चेंज, बदलाव कर रहा है ना, आप बदलने वाले हो, फ्यूचर में बदलने वाले, ठीक है। तो इसका मतलब फ्यूचर पे के रेस्पेक्ट होगा, तो एक्जेक्टली ऐसे ही है, आउटपुट मेरी पहले आ गई, इनपुट मेरी बाद में, फ्यूचर में होगी, डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। तो समझ रहे हैं, लीनियर, टाइम वेरिएंट, मतलब टी स्क्वायर, टाइम वेरिएंट, नॉन कॉजल, क्यों नॉन कॉजल, आउटपुट पहले है, इनपुट बकवास है, मतलब बकवास ही आपके होते हैं, ठीक है, इनका कोई बेस नहीं होता, जैसे बाबा लोग होते हैं ना, फ्यूचर वाले जो बताते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, वैसे होते हैं, नॉन कॉजल, कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे ही, ठीक है, नॉन कॉजल, जो प्रैक्टिकल आगे नहीं चीज़ ठीक है। नेक्स्ट चला देखिए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट चला देखिए, तो मैंने बताया कि डायनेमिक स्टैटिक क्या होता है, तो जब भी आपको डिफरेंशिएटर नजर आए, इंटीग्रेटर नजर आए, समझ लो डायनेमिक, और टाइम के साथ चेक करके देखो कि प्रेजेंट आउटपुट मेरी किस पर डिपेंड कर रही है, अगर तो प्रेजेंट पर डिपेंड कर रही है तो क्या है, स्टैटिक है, yt इक्वल टू xt स्क्वायर, बताओ कैसा है, लीनियर कि नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, कॉजल कि नॉन कॉजल, कॉजल, वन वन कॉजल, टाइम वेरिएंट कि इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टैटिक डायनेमिक, इट इज स्टैटिक, वन पुट करोगे वन पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंट वैल्यू आउटपुट की, प्रेजेंट इनपुट स्टैटिक सिस्टम, ठीक है, इज स्टैटिक, ठीक है, जो भी इनपुट आपके प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट डिपेंड करेगा, ठीक है, समझ आया, y इक्वल टू रूट एक्स,
अगेन सेट वाई टी इक्वल टू रूट ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस वन, कैसा है डायनेमिक, क्यों डायनेमिक, प्रेजेंट आउटपुट पास्ट इनपुट पे डिपेंड करेगी, टी की वैल्यू 1 पे डिपेंड करेगी, आउटपुट में 1 पे ले रहा हूं और इनपुट क्यों डिपेंड कर रही है, कौन सी इनपुट डिसाइड करेगी आउटपुट 1 पे, 0 0 वाली, समझ रहे हो, तो पास्ट इनपुट होगी ना, आउटपुट में 1 पे ले रहा हूं इनपुट पहले होगी 0 पे, तो प्रेजेंट आउटपुट को पास्ट इनपुट पे डिपेंड करेगी, इसका मतलब क्या सिस्टम हो गया डायनेमिक, ठीक है, तो स्टैटिक डायनेमिक आप समझिए, मेमोरीलेस, स्टैटिक को मेमोरीलेस बोलते हैं, जिसमें कोई मेमोरी नहीं है, तो प्रेजेंट प्रेजेंट को देखता है और डायनेमिक जो होता है वो मेमोरी को देखता है, ठीक है, चलिए कुछ स्टेटमेंट है अब उनको ध्यान से सुनिए, एवरी स्टैटिक सिस्टम इज ए कोजल सिस्टम, क्या सही है, एवरी स्टैटिक सिस्टम इज ए कोजल सिस्टम, क्या सही है, बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि स्टैटिक सिस्टम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पर डिपेंड करता है, प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट, और कोजल सिस्टम प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट डिपेंड करता है, तो इसका मतलब जो स्टैटिक है वो तो कॉजल का ही सबसेट होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, एवरी कॉजल सिस्टम इज नॉट स्टैटिक, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉजल में तो क्या जाता है, पास्ट पे जाता है, तो स्टेटमेंट ध्यान से रखिए, एवरी स्टैटिक सिस्टम एवरी मेमोरीलेस सिस्टम इज ए कॉजल सिस्टम, बिल्कुल सही है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है, ध्यान से सोचिएगा, दूसरा एवरी नॉन कॉजल सिस्टम इज ए डायनेमिक सिस्टम, एवरी नॉन कॉजल सिस्टम इज ए डायनेमिक सिस्टम, बताइए क्या सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नॉन कॉजल है वो किस पर डिपेंड करेगा, फ्यूचर पे, और फ्यूचर पे डिपेंड कर गया तो पक्का डायनेमिक होगा ही होगा, ठीक है, एवरी नॉन कॉजल सिस्टम इज ए डायनेमिक सिस्टम, बट कन्वर्स इज अगेन नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्यों भाई, क्यों, एवरी नॉन कॉजल सिस्टम यानी क्या बोला, एवरी नॉन कॉजल सिस्टम इज ए डायनेमिक सिस्टम, ये तो ठीक है, नॉन कॉजल तो फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर पे डायनेमिक होगा ही होगा, बट एवरी डायनेमिक सिस्टम इज नॉट नॉन कॉजल, क्यों, क्योंकि डायनेमिक तो वो भी होता है जो प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड करे, वो तो नॉन कॉजल ही होता, तो एवरी नॉन कॉजल सिस्टम इज ए डायनेमिक सिस्टम, ये ट्रू है, बट एवरी नॉन कॉजल सिस्टम इज नॉट अ डायनेमिक सिस्टम, एवरी नॉन कॉजल सिस्टम इज ए डायनेमिक सिस्टम, बट एवरी डायनेमिक सिस्टम इज नॉट नॉन कॉजल, ठीक है, कन्वर्स इज नॉट, ध्यान रखिए, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो, स्टैटिक एंड डायनेमिक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेबल एंड अनस्टेबल, बट ये थोड़ा सा ब्रॉडर है, ठीक है, आप इसको यहां पे खत्म नहीं कर सकते हो, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम, इसके लिए आपको दूर तक इंतजार करना पड़ेगा अगर आपको पूरी तरह समझ रहे हो, ठीक है, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है, तो चलो देखिए, और इनवर्टिबल एंड नॉन इनवर्टिबल ये भी आपको बाद में आपको समझ आएगा ज्यादा बेहतर, लैपलेस के बाद में उनको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है, बट फिलहाल मैं थोड़ा सा बता दूं आपको स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है, जो देखिए मान लीजिए मैं क्लास में बैठा हूं, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने किसी को, कोई बच्चा था उसको हल्का छेड़ दिया, ठीक है, मतलब जैसे धक्का से मार दिया, हल्का सा ऐसे छेड़ दिया, ठीक है, अब उसने क्या किया, उस लड़के ने क्या किया, वो तुमने कर कैसे दिया भाई, तुमने मुझे मार कैसे दिया, पूरे क्लास के दंगे उठा गया, ठीक है, दंगा करने लग गया, पूरे क्लास को पूरा एकदम ऐसे कर दिया कि डिस्टर्ब हो गई पूरी क्लास, और सुबह से लगा शाम तक करते रहा, तुमने हाथ कैसे लगा दिया, ठीक है, ऐसे सिस्टम किस तरह के होते हैं, अनस्टेबल सिस्टम, हल्की सी इनपुट दो आउटपुट कैसे दे दी, अरे बड़ा आगे दे दिया आउटपुट, ठीक है, हल्की सी इनपुट दी, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, इमेजिन करो मैंने एक इंपल्स दे दिया, एक झटका दे दिया, पर आउटपुट कैसे दे रहे हैं, बढ़ती जा रही है, कम नहीं होती, इमेजिन करो मैंने कोई फैन डिजाइन किया और फैन ने मैंने हल्की सी कोई इनपुट दी और फैन की स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसा कभी हो सकता है, अनस्टेबल सिस्टम होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे सिस्टम होते हैं अनस्टेबल, अच्छा एक और सिस्टम बता रहा हूं, मैंने किसी को हल्का सा धक्का दे दिया, वो बंदा बोला चलो कोई बात नहीं यार लग गया वो गलती से, ठीक है, अब वो सिस्टम कैसा है, स्टेबल सिस्टम, ठीक है, मतलब उसमें आपने इनपुट दिया और वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, सुन में कुछ आउटपुट जरूर दी उसने, बट फिर स्टेबल हो गया आउटपुट डाउन, इसका मतलब वो सिस्टम कैसा है आपका, स्टेबल सिस्टम, क्लियर, तो मैंने बताया स्टेबल और अनस्टेबल, इसको फिर मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, अगर मैं कोई बाउंडेड इनपुट दे रहा हूं, मान लीजिए बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड इनपुट का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड बाउंडेड होता है, एम्पलीट्यूड बाउंडेड, जैसे मैंने ये दिया वन, ये मेरा बाउंडेड इनपुट है, एम्पलीट्यूड मेरा बाउंडेड है, डीसी वैल्यू है, तो अगर मेरी आउटपुट भी बाउंडेड आ जाए,
बाउंडेड आउटपुट आ रहा है, आउटपुट का एम्पलीट्यूड के बाउंडेड आ रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं स्टेबल सिस्टम, बीबो स्टेबल, स्टेबल सिस्टम बीबो, बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट, स्टेबल सिस्टम। अगर मेरी इनपुट बाउंडेड है, एम्पलीट्यूड बाउंडेड है हाइट के रेस्पेक्ट में देखो, तो उससे अगर मेरी इनपुट मेरी बाउंडेड है तो आउटपुट भी अगर मेरी बाउंडेड आ रही है, इसका मतलब सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल। This is stable system. जैसे कि देखिए, मान लीजिए मैं बोलूँ एक मेरे मेरा y t जो है वो है integration of x t 0 to t, मान लीजिए क्या है stable system, जरा देखें क्या है system stable, तो चेक करें, तो कैसे चेक करें, आप input को bounded रखे देखो, input को bounded रखे देखो, देखिए अगर मैं input को u t रखूँ तो u t को 0 से t integrate करोगे, input तो bounded है, time के साथ constant है, एक इसका एम्पलीट्यूड बाउंडेड है, तो आउटपुट जरा देखते हैं क्या आती है, आउटपुट इंटीग्रेट हो जाएगी, इनपुट को इंटीग्रेट कर दो 0 से t, आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट क्या आएगी rt, और rt का ग्राफ कैसा होता है, इसका मतलब मेरी इनपुट तो कैसे थी बाउंडेड, बट आउटपुट कैसे है मेरी, बढ़ती जा रही है आउटपुट, ठीक है, इसका मतलब किस तरह का सिस्टम है ये, अनस्टेबल सिस्टम, वीक अनस्टेबल, बिकॉज इनपुट बाउंडेड है बट आउटपुट तो मेरी अनबाउंडेड है, टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, दिस इज अनबाउंडेड सिस्टम, ठीक है, ये आपका सॉरी अनस्टेबल सिस्टम, दिस इज अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। चलिए, सिग्नल स्टेबल अनस्टेबल नहीं होता, सिग्नल तो सिग्नल होता है, उसका इंफॉर्मेशन होती है, सिग्नल को मत स्टेबल अनस्टेबल बोलिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार गलती का हम सिग्नल को स्टेबल अनस्टेबल बोलने लग जाते हैं, सिग्नल इज ऑलवेज स्टेबल सिग्नल, ठीक है, सिग्नल तो सिग्नल है, उसको स्टेबल अनस्टेबल क्यों बोलना, वो तो इनपुट की तरह काम करेगा, सिस्टम होते हैं स्टेबल अनस्टेबल, ठीक है, सिस्टम होते हैं स्टेबल अनस्टेबल, ये ध्यान। तो मैंने बोला इनपुट मेरी बाउंडेड है, आउटपुट मेरी क्या है अनबाउंडेड, बढ़ती जा रही है, इट इज अनबाउंडेड, तो वीबो अनस्टेबल सिस्टम, ये वीबो अनस्टेबल सिस्टम। नेक्स्ट सवाल, अगर मैं बोलूं y t इक्वल टू t की पावर x t, ये होता है कैसे सिस्टम से स्टेबल है क्या अनस्टेबल, अगर मैं इनपुट को बाउंडेड रखूं कुछ फाइनाइट वैल्यू रखूंगा तो आउटपुट भी फाइनाइट आएगी, कुछ भी रखे देखो 1 2 3 4 5 10 कुछ भी रखो फाइनाइट वैल्यू रखोगे आउटपुट भी फाइनाइट आएगा, इसका मतलब क्या सिस्टम है वीबो स्टेबल, वीबो स्टेबल। y t इक्वल टू 1 अपॉन x t कैसे सिस्टम है वीबो अनस्टेबल, फाइनाइट रखे देखो 0, ठीक है, बहुत हाई है, समझ आया, इनफाइनाइट नो डिफरेंट, इसको बोलेंगे वीबो अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है भाई। इस तरह से देख सकते हो, जब भी आपको इनपुट और आउटपुट की रिलेशन दे रखी हो तो आप इनपुट को बाउंडेड रख के देख लो, कुछ फाइनाइट वैल्यू रख के देख लो और उससे देखो कि मेरी आउटपुट बाउंडेड है कि नहीं है, अगर मेरी आउटपुट बाउंडेड आ रही है इसका मतलब सिस्टम कैसा है वीबो स्टेबल, बट कई बार ऐसा होता है कि हम देख नहीं सकते ऐसा, ये तो सिंपल सिस्टम ही है, मैंने कई बार ऐसा होता है, जल्दी देखो डी स्क्वायर बाई डी बाई डी डी स्क्वायर प्लस 4 डी बाई डी बाई डी डी प्लस 6 बाई डी इक्वल टू 8 बड़ा अजीब सी बात नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा ऐसा, ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे कि सिस्टम, अगर मैं इनपुट को बाउंडेड रखूं तो आउटपुट मेरी बाउंडेड आएगी नहीं आएगी, कैसे चेक करें, अगर मेरी इनपुट बाउंडेड है तो आउटपुट बाउंडेड आएगी नहीं आएगी, आप कैसे कह सकता हो, कैसे सिस्टम में आप इस तरह से नहीं बता सकते, ठीक है, तो इसके लिए फिर अलग रूल बनाएंगे, ठीक है, इसके लिए अलग रूल बनाएंगे, वो देखेंगे वो हमने बाद में देखेंगे, ठीक है, तो अभी तो बस ये सिंपल है, मैं इनपुट और आउटपुट की सिंपल रिलेशन आ जाए, कोई विदाउट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो सिंपल इनपुट और आउटपुट की रिलेशन आ जाए, उनमें आप देख सकते हो वीबो स्टेबल, ठीक है, इनके ऊपर फिर बाद में रिलेशन बनाते हैं, आप थोड़ा सा रुकिए, मे बी लैपटॉप के बाद आपको और बेहतर समझ आएगा स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है, वहां पर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका इनवर्टिबल एंड नॉन इनवर्टिबल सिस्टम, तो मैंने आपको बताया स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम, नेक्स्ट है इनवर्टिबल एंड नॉन इनवर्टिबल, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, इनवर्टिबल एंड नॉन इनवर्टिबल, ये मैं कुछ ट्रांसफॉर्म है उनको पढ़ाने के बाद ही मैं करूंगा, ठीक है, इनवर्टिबल एंड नॉन इनवर्टिबल सिस्टम, वैसे मैं बता दूं इनवर्टिबल सिस्टम क्या होता है, देखिए इनवर्टिबल एंड नॉन इनवर्टिबल, इनवर्टिबल सिस्टम ये क्या होगा, इनवर्टिबल एंड नॉन इनवर्टिबल सिस्टम, अगर कोई सिस्टम है वो कोई आउटपुट दे रहा है,
अगर मैं उसकी आउटपुट को देख के यूनिकली इनपुट को बता सकूं, ऐसे सिस्टम क्या होते हैं? इनवर्टिबल सिस्टम। कोई सिस्टम है जो मुझे कोई ऑपरेशन लगा के आउटपुट दे रहा है, अगर मैं आउटपुट को देख के यूनिकली मैं इनपुट को डिफाइन कर सकूं, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इनवर्टिबल सिस्टम। जैसे कि देखिए, मैं बोल रहा हूं कि y t इक्वल टू x t का स्क्वायर, स्क्वायर सिस्टम क्या है? इनवर्टिबल सिस्टम है। देखिए, जो भी हमने इनपुट दी इसने उसको स्क्वायर कर दिया। क्या स्क्वायर फंक्शन से यूनिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं इसका रूट लूंगा, आप बोलोगे सर रूट ले लो, वापस वही आ जाएगा। तो स्क्वायर सिस्टम का इनवर्टिबल सिस्टम क्या होगा? स्क्वायर रूट सिस्टम। नहीं नहीं, अगर आप इसे स्क्वायर रूट लोगे तो यूनिकली नहीं आएगा। ये क्या आएगा? प्लस माइनस, यूनिकली नहीं डिफाइन होगा। समझे मेरा पॉइंट? तो इसका मतलब ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? नॉन इनवर्टिबल सिस्टम। ठीक है, आप यूनिकली नहीं डिफाइन कर सकते। हाँ, अगर इस तरह का मान लीजिए टी प्लस टू, कोई जो भी इनपुट है उसको एडवांस कर देंगे सिस्टम, या डिले कर देगा मान लीजिए। ठीक है, जो भी इनपुट है, आपने इनपुट दिया उसको थोड़ा सा डिले करके आउटपुट जो आएगा वो डिले हो गया है। तो क्या इससे आप यूनिकली इनपुट को डिफाइन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, आप उसको दो एडवांस कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या सिस्टम आपका? ये आपका इनवर्टिबल सिस्टम। ठीक है, आउटपुट को देख के अगर आप यूनिकली इनपुट को डिफाइन कर सकते हो तो वो सिस्टम कैसा होता है? आपके इनवर्टिबल सिस्टम। और अगर आउटपुट को देख के यूनिकली नहीं डिफाइन कर सकते हो तो वो क्या क्या होता है? नॉन इनवर्टिबल सिस्टम होते हैं। जरा देखिए, कई बार क्या होता है, कई बार आउटपुट जीरो आ जाता है। अगर ऐसे सिस्टम जिनमें इन किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट जीरो अगर आ गई ना, तो समझ लो वो सिस्टम कैसे होता है? नॉन इनवर्टिबल। क्यों? क्योंकि जब एक बार आउटपुट जीरो आ जाती है ना, अब हमें पता नहीं वो आउटपुट जीरो कैसे हुई है। उस जीरो से वापस वही वैल्यू अचीव करना बड़ा मुश्किल काम है भाई, पता नहीं वो जीरो कैसे बनी है। समझ आया? तो जब भी एक बार आउटपुट जीरो बन जाएगी, आप समझ लो वो नॉन इनवर्टिबल सिस्टम। किसी भी केस में अगर आउटपुट जीरो आ जाए, आप उस जीरो से वापस वही वैल्यू रिट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, जीरो का मतलब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ तो सबूत रहना चाहिए, सो देन हमें पता हो कि कहां से आई ये चीज। नहीं समझे? ये चीज जीरो होते जब गायब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आउटपुट कहीं भी जीरो बन जाए गायब, समझ लो नॉन इनवर्टिबल। ठीक है, तो इसके ऊपर बाकी फर्दर डिस्कशन मैं आपको कराऊंगा लैप्लस के बाद। इतनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, अभी इसको आप छोड़ के रखिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको थोड़ा बेहतर समझेंगे बात। तो चलिए, मैंने आपको टाइप बताया, ठीक है, कि कितने टाइप का आपका सिस्टम होता है। अब थोड़ा सा और फर्दर देखते हैं। ठीक है, जरा देखिए, अब मैं एक नई टर्म डिफाइन कर रहा हूं। अब आगे मैं पढ़ूंगा एलटीआई सिस्टम, तो यहां पे मेरी टाइप खत्म हो जाती है। ठीक है, और अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो चैप्टर हम सिस्टम पढ़ रहे थे उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, एलटीआई लीनियर टाइम इनवेरिएंट, हम इसको पढ़ेंगे एलटीआई सिस्टम। तो आगे पूरा सिलेबस हमारा एलटीआई पे, ठीक है, जो पूरा सब्जेक्ट है वो सारा एलटीआई पे बेस्ड है, हर जगह एलटीआई सिस्टम को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं एलटीआई सिस्टम क्या होता है। ठीक है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है उनको जरा देखते हैं। देखिए, तो आप जानते हो इसके बारे में, तो आप जानते हो लीनियर है और टाइम इनवेरिएंट है। ठीक है, बट किसी भी सिस्टम को मैं कैरेक्टराइज कर रहा हूं, कोई भी सिस्टम है, मुझे उसकी कुछ के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी पड़ेगी। जैसे मैं बोलता हूँ ना, भाई वो बंदा किस तरह का है, कोई भी इंसान है, मैं उसके बारे में पूछता हूँ यार वो किस तरह का आदमी है, तो कैसे आप डिफाइन करोगे उसको कि भाई किस तरह का आदमी है, कैसे डिफाइन करोगे? भाई आपको कुछ उसके बारे में कुछ रिस्पॉन्स पता होगा किसी चीज का, तभी तो आप बताओगे कि किस तरह का आदमी है। और कैसे रिस्पॉन्स कैसे चेक करें? झटका लेके देख लो किसी बंदे को, एक इंपल्स डाल के देख लो, छेड़ के देख लो, पिंच करके देख लो, थोड़ा सा पिंच करके देखोगे तो उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसे बदल जाएगा किस तरह का सिस्टम। नहीं समझे? आप इंसानी बिहेवियर की बात करें ना, अगर किसी बंदे को छेड़ रहा हूँ, छेड़ने से थोड़ा सा पिंच करने से उसने उसकी जो रिस्पॉन्स है वो देख लो किस तरह का, अगर वो स्टेबल रिस्पॉन्स है या नाराजगी दिखा रहा है थोड़ी बड़ी या किस तरह का रिस्पॉन्स, तो उसके हिसाब से आप क्या बोलते हो, ये बंदा तो इस टाइप का यार। ठीक है, तो इसी तरह हर सिस्टम को कैरेक्टराइज करने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, उसका एक नई टर्म होती है एच टी, जिसको हम बोलते हैं इंपल्स रेस्पॉन्स। इंपल्स रेस्पॉन्स ये हमें बताना पड़ेगा।
इट इज द इंपल्स रेस्पॉन्स. इसका मतलब अगर मैं किसी सिस्टम में इंपल्स डालूंगा तो उसका रेस्पॉन्स जो है वो ये मिलेगा. नाउ सी क्लियर, इंपल्स रेस्पॉन्स. किसी भी सिस्टम का अगर हमें इंपल्स रेस्पॉन्स पता है तो हम उस सिस्टम के बारे में सब कुछ बता सकते हैं. ठीक है, उस सिस्टम के बारे में सब कुछ बता सकते हैं. ठीक है, हमें उस सिस्टम का क्या पता होना चाहिए, इंपल्स रेस्पॉन्स. ठीक है, जैसे हमें पता है अगर मैं किसी बंदे को पिंच करके और उसे देख लूं कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है, अगर हमें ये पता चल जाए आपका, तो मैं उस बंदे के बारे में कुछ डेफिनेशन ही बना देता हूँ कि किस टाइप का आदमी. किसी ने मुझे पिंच किया और मैंने बोला चलो कोई नहीं यार, हो जाता है. ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, और कोई बंदा बोलता है ऐसे कैसे कर लिया. ठीक है, तो बेसिकली उसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं. एग्जैक्टली ऐसे सिस्टम में हमारे यहाँ पे थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट होते हैं उनमें भी ऐसा होता है. इंपल्स रेस्पॉन्स देने का मतलब है इंपल्स का रेस्पॉन्स. अगर मैं किसी सिस्टम में, जैसे कोई सिस्टम है इसका इंपल्स रेस्पॉन्स आपको दे रखा है HT = -2TUT, इसका क्या मतलब है इंपल्स रेस्पॉन्स देने का क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर इस सिस्टम में जो जिस सिस्टम का इंपल्स रेस्पॉन्स दिया हुआ है उस सिस्टम में अगर आप इनपुट इंपल्स डालोगे तो उसका रेस्पॉन्स ये आएगा. अगर आपने इस सिस्टम में जिसका इंपल्स रेस्पॉन्स आपको ये दे रखा है अगर आपने इसमें डेल्टा टी डाला तो आउटपुट यही आएगा HT = e^2. क्यों ये आएगा? बिकॉज ये इंपल्स का रेस्पॉन्स है और आपने इनपुट क्या किया, इंपल्स. तो इसका मतलब रेस्पॉन्स यही है, ये आ जाएगा. समझ आया? इंपल्स रेस्पॉन्स इसको बोलते हैं, इंपल्स का रेस्पॉन्स. अगर इंपल्स डालोगे तो ये रेस्पॉन्स आता है, इसको बोलते हैं इंपल्स रेस्पॉन्स. अगर मैं कोई एलटीआई सिस्टम ले लूं, अब जब देखना बाकी मैं एलटीआई के लिए पढ़ रहा हूं तो मैंने बताया कि इंपल्स रेस्पॉन्स क्या होता है. ठीक है, इंपल्स रेस्पॉन्स क्या होता है उसको मैंने बताया. अगर कोई मुझे इंपल्स का रेस्पॉन्स दे दे तो मैं किसी भी इनपुट का रेस्पॉन्स निकाल सकता हूं. कंडीशन बस एक है, सिस्टम कैसा होना चाहिए, एलटीआई. अगर मेरा एलटीआई सिस्टम है और मुझे एलटीआई सिस्टम का इंपल्स रेस्पॉन्स पता है तो मैं किसी भी इनपुट के लिए उसका रेस्पॉन्स निकाल सकता हूं, उस सिस्टम का रेस्पॉन्स निकाल सकता हूं. कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए मुझे ये सिस्टम दे रखा है, सबसे पहले इंपल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं और मैंने बोला मैंने यहां पे HT दिया है, HT इज इंपल्स रेस्पॉन्स और इनपुट भी इंपल्स दिया है, बताओ आउटपुट क्या है, YT = HT. सेम ही आया, क्यों? क्योंकि इंपल्स का रेस्पॉन्स है और आपने क्या इनपुट दिया, इंपल्स ही दिया, तो उसी का रेस्पॉन्स आता है. सही, ऑलवेज याद रखें जब भी आप इंपल्स देते हो जो इंपल्स रेस्पॉन्स होता है वही आउटपुट होता है. अब ये एलटीए सिस्टम में ध्यान रखना, मैं आगे एलटीए सिस्टम लेके चल रहा हूं. अब मान लीजिए मैंने इनपुट को थोड़ा डिले कर दिया तो आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि कैसा सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट. अगर मेरा सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है तो क्या होगा बताओ जरा. तो अगर इनपुट को डिले करोगे तो आउटपुट भी उतनी डिले हो जाएगी. इसका मतलब पहले HT आउटपुट आएगी, अब क्या आएगी, T-T नोट. समझ आया? और ये क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी है, टाइम शिफ्टिंग, टाइम इनवेरिएंस, उसकी वजह से ऐसा हुआ है. क्योंकि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट था तो अगर मैं डेल्टा टी माइनस टी नोट डालूंगा तो आउटपुट भी क्या आएगी, H(T - T) नोट, ऑलवेज आ जाएगी. ठीक है, अच्छा अगर मैंने डेल्टा AT + B डाला तो बताओ आउटपुट क्या आएगी. अगर इंपल्स रेस्पॉन्स दे रखा है तो डेल्टा AT + B का क्या रेस्पॉन्स आएगा, पहले इसका कोएफिशिएंट 1 बना. कैसे बनाएंगे, 1/A का मोड ΔT + B/A, ऐसे लिख सकता हूँ. अब बताओ इसकी वजह से क्या रेस्पॉन्स आएगा, क्योंकि ये टाइम इनवेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है. डेल्टा टी की वजह से अगर HT है तो ΔT + B/A की वजह से क्या होगा, शिफ्ट करोगे इसको थोड़ा सा एडवांस करोगे तो रेस्पॉन्स भी क्या हो जाएगा, एडवांस मतलब H(T + B/A) और ये सिस्टम कैसा है, लीनियर का मतलब होमोजेनिटी के एप्लीकेबल है. इसका मतलब अगर 1/A से मल्टीप्लाई करोगे इनपुट को तो आउटपुट भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/A रेस्पॉन्स भी 1/A से. समझ आया? तो इसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो ये आएगा. ऐसे किसी भी इंपल्स, कोई भी किसी भी टाइप का इंपल्स दे दो मैं उसकी वजह से रेस्पॉन्स बता सकता हूं. ठीक है, जरा देखिए मैं कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आया तो जरा देखिए, एलटीआई के लिए है लेकिन ध्यान सिर्फ और सिर्फ एलटीआई के लिए. जरा देखिए कैसे, अगर मैंने बोला मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है जिसका इंपल्स रेस्पॉन्स आपको दे रखा है E^-2TUT, मतलब अगर इस सिस्टम में अगर आपने इनपुट इंपल्स किया मतलब इस तरह का इनपुट दिया डेल्टा टी टाइप का तो जो आउटपुट आएगी YT वो किस तरह की आएगी, जो YT आएगा जो रेस्पॉन्स आएगा वो कुछ इस तरह का है.
दिस इज माय पॉइंट, ये मेरा रिस्पॉन्स है, समझ आया? अगर इनपुट आपने इंपल्स दिया तो उसके वजह से जो आउटपुट आएगा वो इस तरह का क्लियर है। दिस इज माय इंपल्स रिस्पॉन्स, इंपल्स का रिस्पॉन्स ये आया, ठीक है? टी की पावर माइनस टू ये तो होता है, इंपल्स डालोगे तो उसका रिस्पॉन्स यही आएगा, इंपल्स का रिस्पॉन्स। अब मैंने जो इनपुट डाली है, मान लीजिए वो इनपुट मैंने ये डाली है, ये वन वन एरिया है, इसका एरिया टू है और इसका एरिया माइनस वन है, जीरो वन टू। आपको बताना आउटपुट किस तरह है, आउटपुट क्या है? मुझे एक बात हो, इसकी इक्वेशन लिख लो क्या मैं, इसकी इक्वेशन बनेगी डेल्टा टी प्लस टू डेल्टा माइनस टी माइनस वन माइनस डेल्टा टी माइनस टू माइनस डेल्टा टी माइनस टू। अब डेल्टा टी की वजह से मुझे पता है एच की आउटपुट है, क्योंकि इंपल्स का रिस्पॉन्स तो डेल्टा टी है, तो इसकी वजह से तो आउटपुट आएगी एच की। इसकी वजह से क्या आएगी? डेल्टा टी माइनस वन। लीनियर इनवेरिएंट सिस्टम है, टाइप इनवेरिएंट सिस्टम है, ये दिया हुआ टी माइनस वन, तो एच ऑफ टी माइनस वन। और क्योंकि टू से मल्टीप्लाइड है तो होमोजेनिटी क्या कहती है? लीनियरिटी ना। अच्छा ये बताओ t माइनस टू है तो इसकी वजह से क्या आ गई? t माइनस टू टू माइनस माइनस क्या सही है। अब ये सुपर पोज हो रखे हैं, प्लस या माइनस होना तो सुपर पोज ही होता है, तो आउटपुट भी क्या हो जाएगी? सुपर पोज। कौन सी प्रॉपर्टी? सुपर पोजिशन। सुपर पोज लीनियरिटी में आ गई ना सुपर पोज, तो ये आउटपुट है। इसका पता अगर मुझे इक्वेशन चाहिए आउटपुट की, तो एच की वैल्यू है e की पावर माइनस टी यू टी प्लस टू इंटू एच ऑफ टी माइनस वन क्या बनेगा? टी की पावर माइनस टू, टी की जगह टी माइनस वन कर दो बस, माइनस टी की पावर माइनस टू टी माइनस टू यू ऑफ टी माइनस वन, समझ आया? ये आउटपुट है, दिस इज माय पॉइंट, ये मेरी आउटपुट है। अगर मेरी इनपुट ये है, अगर इस साइड की इनपुट है तो ये आउटपुट आएगी और उसकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है भाई? समझ आया आपको? चलो तो मैंने बताया कि किस तरह का आउटपुट है, आगे बढ़े, ठीक है? तो इंपल्स रिस्पॉन्स का मतलब समझिए, इंपल्स रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? इंपल्स का रिस्पॉन्स है, तो अगर कोई भी जो इंपल्स के टर्म में है उसकी वजह से आप रिस्पॉन्स निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, शिफ्टिंग और लीनियरिटी यूज करनी, टाइम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी और लीनियरिटी का यूज करना, समझ आया? आप उसकी वजह से आउटपुट बता सकते हो, बड़ा इजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मान लीजिए इनपुट मेरी इंपल्स ना हो, इंपल्स नहीं है, कोई अलग इनपुट दे दो, एक्स टी दे दी, उसके वजह से क्या होगा? ठीक है, एल टी एच एस, तो वो जरा देखिए कैसे निकल, ठीक है? अब वो जरा देखिए, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनेगा, जब देखिए ध्यान से देखिएगा एल टी एच एस, मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, और उसका इंपल्स रिस्पॉन्स है एच टी, और मैंने इनपुट इंपल्स नहीं किया, क्या किया हुआ है? इनपुट इज एक्स टी, एलटीए सिस्टम में ध्यान रखना, इनपुट मैंने इंपल्स नहीं किया, इस बार इंपल्स का रिस्पॉन्स तो मुझे पता ही है, इंपल्स डालने का एसटी आउटपुट आ जाएगा, उसका रिस्पॉन्स एसटी आ जाएगा, बट इस बार मैंने इंपल्स इनपुट नहीं किया, मैंने क्या इनपुट किया हुआ है? एक्सटी, तो आप बताइए क्या आउटपुट आएगा, वाई टी क्या है? अब यहां पे फंसे हैं, क्योंकि अगर इंपल्स डाल देता तो पता था रिस्पॉन्स क्या आएगा, ठीक है, बट अब क्या आएगा, अब क्या बनेगा, अब तो फंस गए। नहीं, अगर मैं इसको इंपल्स की टर्म में लिख लूं तो मजा आ जाएगा, इंपल्स के समय से की टर्म में लिख लूं मजा आ जाएगा, कैसे? इधर देखिए, अब आप याद करो एक प्रॉपर्टी होती थी एफ ऑफ टी इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट डी टी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, याद है? एफ टी नॉट, यह होता था एफ ऑफ टी नॉट, टी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते थे। अब आप इमेजिन करो, मैं ये लिख रहा हूं x of tau delta t minus tau d tau, मतलब क्या वैल्यू आएगी इसकी? ये tau के रेस्पेक्ट में है, तो यहां से tau की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगी tau की वैल्यू? t is equal to tau, नहीं tau, tau के रेस्पेक्ट में ना, यहां पर t वेरिएबल ही है, t तो कांस्टेंट है, जैसे यहां पर क्या
तो इसका मतलब मैं एक्स टी को क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, समझ आया? अब मजा आ गया, कैसे जरा देखो, मैंने एक्स टी को लिख दिया इस तरह से, और देखा जाए तो क्या चीज है, यह एक्स ऑफ टी माइनस टाउ, डेल्टा टी माइनस टाउ, तो डेल्टा टी माइनस टाउ का रिस्पांस मुझे पता है, और ये उसका कोफिशिएंट है, और ये समेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन। अब जरा देखना मेरे को एलटीआई सिस्टम कैसे हेल्प करता है, मेरे को इंपल्स का रिस्पांस दे रखा है, मतलब अगर मैं डेल्टा टी इनपुट करूंगा तो मुझे पता है कि आउटपुट क्या आएगी, एच डी। अगर मैं डेल्टा टी माइनस टाउ इनपुट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगी, बताओ? एच डी माइनस टाउ, एच ऑफ टी माइनस टाउ, क्यों भाई? एलटीआई सिस्टम, क्योंकि टाइम इनवेरियंस। अब मैंने बोला कि मैं इसको एक कांस्टेंट टाइम वेरिएबल, ध्यान रखना यहां पे, यहां पे क्या वेरिएबल है, टी वेरिएबल है, और टाउ क्या है मेरा, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो मैंने इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया x ऑफ टाउ से, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो होमोजेनिटी रूल क्या कहता है, कांस्टेंट उधर भी क्या हो जाएगा, x ऑफ टाउ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही बात है। अब मैंने बोला मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, बट मैं किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, टाउ के रेस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन। तो समेशन का कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेशन, लीनियर की नॉन लीनियर, सुपरपोजिशन। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, समेशन का मतलब सुपरपोजिशन, नहीं समझे? तो इसका मतलब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाउ। आप बोलोगे सर टाउ तो कांस्टेंट था, नहीं, टी के रेस्पेक्ट में टाउ कांस्टेंट था, टाउ एक अलग वेरिएबल है, बट टी के रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट। तो आपने इधर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, बट अब आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, टाउ के रेस्पेक्ट में, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो इधर भी क्या हो जाएगा, सुपरपोज किया ना आपने, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, समेशन का मतलब सुपरपोजिशन, आपने इनको सुपरपोज किया है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन। क्यों, क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी, अगर इधर इंटीग्रेट करोगे तो उधर भी इंटीग्रेट होगा, तो ये बन गया x ऑफ टाउ, x ऑफ t माइनस टाउ d टाउ फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इसकी वजह से ये आउटपुट आएगा। एक बार फिर से देखिए, डेल्टा टी वजह से एस टी रखिए, डेल्टा टी माइनस टाउ वजह से h ऑफ t माइनस टाउ, x ऑफ टाउ से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, होमोजेनिटी रूल कहता है इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मैंने इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टाउ, इधर इंटीग्रेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टाउ, ये क्या बन गया, x t, इधर x t, और x t की वजह से आउटपुट क्या आ गया, क्या आउटपुट आई, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ d t, समझ आया कैसे? तो इसका मतलब देखो मजे आ गए, माने अगर मुझे एलटीआई सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस पता है तो मैं किसी भी इनपुट के लिए क्या कर सकता हूं, आउटपुट बता सकता हूं। करना क्या है, बस ये सॉल्व करना, इसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन सम, इसको कॉन्वोल्यूशन का नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन। तो मतलब आउटपुट जो आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टाउ इंटू एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, और इसको लिखने का आसान तरीका ये होता है एक्स टी कॉन्वोल्यूशन होमोजेनिटी, सुपरपोजिशन एंड टाइम इनवेरियंस एलटीआई। कॉन्वोल्यूशन इज डिफाइंड ओनली फॉर एलटीआई सिस्टम, अगर सिस्टम एलटीआई है नहीं कॉन्वोल्यूशन खत्म, कॉन्वोल्यूशन डिफाइंड नहीं, सीधी बात, सीधी बात, कॉन्वोल्यूशन इज डिफाइंड ओनली फॉर एलटीआई सिस्टम, समझ आप? बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला जो आउटपुट टाइम है वाई टी वही आएगी, वाई टी जो है वही आएगी एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच टी, समझ आप? किसी भी इनपुट के लिए हम निकाल सकते, करेक्ट, चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात है, मेरा पता, और मैंने बताया कि किस तरह से ये कॉन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है, x टाउ h ऑफ t माइनस टाउ d टाउ, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आई होप ये प्रूफ आपको समझ आया, कैसे मैंने लिखा है वो समझ आया, ठीक है। ये कंटीन्यूअस टाइम में समझ आया, डिस्क्रीट में कैसे चलेगा मैं आपको डिस्क्रीट में समझा दूंगा कि कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल कैसे, उसमें कॉन्वोल्यूशन समेशन होता है, इसमें कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, ठीक है। चलो देखिए, तो अब मैं ये लिख सकता हूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है जिसका इंपल्स रेस्पॉन्स मुझे गिवन है और जिसका इनपुट मुझे गिवन है, तो जो आउटपुट आएगी वाई टी को क्या आएगी, अगर वाई टी कॉन्वोल्यूशन रूल एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच टी, ये मेरी आउटपुट आएगी, सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है जी। अब
ये डेल्टा टी है, तो आप क्या आएगा दादा, वाई टी क्या आएगी, डेल्टा टी कॉन्वोल्यूशन एच टी, ऑब्वियसली एच टी की जगह डेल्टा टी होगा, बट हम जानते हैं इंपल्स का रिस्पॉन्स है और इनपुट क्या है, इंपल्स ही है, तो बताओ आउटपुट क्या लीजिए, एच टी, इंपल्स का ही तो रिस्पॉन्स आना चाहिए, बिकॉज इंपल्स है और इंपल्स का जरूर, जबकि आउटपुट की तरफ हमने ये लिखा है कॉन्वोल्यूशन की अकॉर्डिंग ये बननी चाहिए, बट मैं जानता हूं आउटपुट किसके बराबर आना चाहिए, एच टी के बराबर, तो दिस मस्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए, एच टी, ये रूल बन गया, क्या रूल बना, क्या रूल बना, एच टी को अगर डेल्टा टी के साथ कन्वर्ट करोगे तो एच टी ही आएगा, नहीं समझे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इनपुट मेरी क्या है डेल्टा टी और ये क्या है इंपल्स रिस्पॉन्स, इसका मतलब इनपुट इज इंपल्स और ये इंपल्स रिस्पॉन्स, तो आउटपुट भी तो इंपल्स का रिस्पॉन्स ही आएगा, बिकॉज इनपुट इज इंपल्स, तो इंपल्स का ही तो रिस्पॉन्स आएगा, मीनिंग नहीं समझे क्या भाई, मैंने बोला कि एक्स टी अगर इनपुट है तो आउटपुट आएगा एक्स टी कॉन्वर्जन एच टी, ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर एक्स टी जरा डेल्टा टी कर दो तो आउटपुट आएगा डेल्टा टी कॉन्वर्जन एच टी, एक्स टी की जगह डेल्टा टी लिख दो, पर सर अभी तक हम क्या लिख रहे थे, कॉन्वर्जन पढ़ने से मैंने अभी क्या बता रहा था कि डेल्टा टी का अगर इनपुट डालोगे तो सेम यही तो आउटपुट आएगी, क्योंकि इंपल्स का एक तो रिस्पॉन्स है, तो सेम यही तो आएगी आउटपुट वाई इक्वल टू एच टी तो आएगा, इस बात दैट मस्ट इक्वल टू एच टी, समझ आया, अगर मैं डेल्टा टी माइनस टी वन डालूंगा तो बताओ आउटपुट क्या है, आउटपुट आएगा एच ऑफ माइनस टी ऑन, ऑब्वियसली टाइम इनवेरियंट सिस्टम, ठीक है, टाइम इनवेरियंट प्रॉपर्टी यही करती है ना, टी माइनस टी वन डालोगे तो एच ऑफ टी वन, बट कॉन्वोल्यूशन क्या कहता है, कॉन्वोल्यूशन कहता है कि डेल्टा टी माइनस टी नॉट इन कॉन्वोल्यूशन क्या होना चाहिए, एच टी, तो दैट मस्ट इक्वल टू सिक्स, बराबर ही लीजिए ना दोनों, तो कॉन्वोल्यूशन के अकॉर्डिंग दिया ये बनना चाहिए, और वैसे हम सोच के देखें भाई ये इंपल्स का रिस्पॉन्स है तो डिलेड इंपल्स का क्या होगा, डिले हो जाएगा रिस्पॉन्स, तो ये मस्ट ये इसके बराबर होना चाहिए, ये रूल नंबर टू बन गया, कंसेप्ट समझ गया, डेल्टा टी के साथ कन्वोल्व करोगे तो वही आएगी चीज, किसी भी चीज को डेल्टा टी के साथ कन्वोल्व करते हो तो समझ लो डेल्टा टी को इनपुट मान लो ना, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं डेल्टा टी कॉन्वोल्यूशन ई की पावर माइनस इनटू टी होती, बता रहे क्या करेगा, भाई मैंने बोला मेरी मर्जी, मैं इसको इंपल्स रिस्पॉन्स मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं इंपल्स रिस्पॉन्स और इसको क्या मान लूं इनपुट, तो इंपल्स का रिस्पॉन्स है ये और इनपुट भी क्या मेरा इंपल्स है, तो इसका काम हो गया सेम ही आएगी, तो इंपल्स के साथ किसी को भी कंट्रोल करते हो सेम वही चीज आता है, अगर डिलेड इंपल्स के साथ किसी को कंट्रोल करते हो तो डिलेड रिस्पॉन्स, तो एच ये जो अभी इसको भी डिलीट की डिले हो जाएगी, समझ आ देखना बड़े इंटरेस्टिंग रूल बन रहे हैं, और कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो इससे रूल बन रहे हैं, इनका रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, क्या अपने आप याद रहे देखो और भूल जाओ, ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए और बात बताइए मुझे, अगर मैं आपसे ये बोलूं डेल्टा ए टी प्लस बी कॉन्वोल्यूशन एच टी क्या बनेगा, डेल्टा ए टी प्लस बी कॉन्वोल्यूशन एच टी क्या बनेगा, इसको लिखो क्या लिखेंगे, 1 बाई ए का मोड डेल्टा पी प्लस बी बाई ए कॉन्वोल्यूशन एच टी, तो क्या होंगे ये डेल्टा टी का रिस्पॉन्स ये होता है, तो डेल्टा टी प्लस बी बाई ए का क्या होगा, एच ऑफ टी प्लस बी बाई ए, टी प्लस बी बाई ए मोड ए, और मोड ए होमोजेनिटी में से बाहर आ गया, ये आंसर है, ये भी एक नया रूल बन गया, ये नहीं ऊपर वाला लिखो, तो ये बन गया 1 अपॉन मोड ए एच ऑफ, अब रट्टा मत मारिए, रटोगे तो कितना रटोगे भाई, बेसिक रूल याद रखो ना भाई, ये इंपल्स का रिस्पॉन्स है, इंपल्स अगर डालोगे तो ये रिस्पॉन्स आएगा, अब मैं ये इनपुट डाल रहा हूं, इनपुट मेरी ये डाल रहा हूं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करूं, ये इनपुट डाल रहा हूं, अगर मैं इंपल्स डालूंगा तो एच टी आएगा, बट मैंने डाला डेल्टा टी प्लस बी बाई ए, मैंने इंपल्स ही डाला बट शिफ्टेड इंपल्स डाला, आउटपुट शिफ्टेड आएगा, फिर मैंने 1 बाई ए मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बाई ए सिंपल होमोजेनिटी, सिंपल आ गया, समझ आ, ऑलवेज याद रखें इंपल्स अगर इनपुट डालोगे तो सेम वही आएगा, ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट सर, देखो मुझे एक बात बताइए, अब मैं एक नई चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, एक नई चीज पूछना चाहता हूँ, अच्छा एक बार इंपल्स भी रहते एक दो क्वेश्चन में करवा दूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ डेल्टा टी माइनस टू कॉन्वोल्यूशन डेल्टा टी क्या है, क्या वाली बात है, इसको एच टी मान लो और इसको क्या मान लो एक्स टी, अगर डेल्टा टी इनपुट डाला होता तो यही आउटपुट आती है, एक ग्राम इनपुट क्या डाला
टी माइनस वन, तो ये भी क्या हो जाएगा टी माइनस वन शिफ्ट हो जाएगा। आंसर इज मीनिंग क्यों बदल रहे हो? अगर ऐसा होता डेल्टा टी माइनस टू कॉन्वोल्यूशन डेल्टा टी माइनस फाइव बता क्या आंसर होता है? इसको क्या मान लो एच टी और ये क्या मान लो एक्स टी। अगर इनपुट इंपल्स होता सिर्फ डेल्टा टी होता तो यही रेस्पॉन्स होता, इंपल्स का रेस्पॉन्स है, लेकिन इंपल्स शिफ्टेड है तो इसको क्या कर दो दो और शिफ्ट कर दो, टी की जगह टी माइनस टू कर दो तो टी माइनस फाइव तो पहले से ही है, दो और शिफ्ट कर दो क्या हो जाएगा टी माइनस सेवन। सिंपल कंसेप्ट पकड़ो ना भाई, ये इंपल्स का रेस्पॉन्स है, इसका अगर मैं डेल्टा टी डालूंगा इनपुट तो रेस्पॉन्स मेरा आएगा डेल्टा टी माइनस फाइव, ये इंपल्स का रेस्पॉन्स है। अब मैंने थोड़ा डिलीट करके इनपुट डाल दिया, सिंपल है, समझ आया क्लियर हुआ? तो कंसेप्ट को पकड़ के रखो बस कि इसका मतलब क्या है, बस रट्टा मत मारिए, रूल मत बनाइए, ठीक है रूल नहीं बनाने, ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट सर देखिए मेरे पास ये कॉन्वोल्यूशन का ये फॉर्मूला है, ठीक है मैंने बोला एक बार जरा देखिएगा, मैंने बोला कि मेरे पास आपको सिस्टम है और उसका इंपल्स रेस्पॉन्स है एच टी, इनपुट है एक्स टी, तो जो आउटपुट आएगा वाई टी वो है एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच टी विच इज एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, ये ठीक है। अब सब देखिए, अच्छा मैं बता दूं आपको, कुछ लोग यहां पर माइनस इंफिनिटी टू टी भी लिखते हैं, एक ही बात है क्योंकि टी का फंक्शन आता है इनपुट टी लिख दो, टी क्या नहीं अब तो इंफिनिटी कुछ हो सकता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हाँ तो मैंने बोला पॉइंट जो आएगा वही आएगा, अभी तक यही पढ़ा है, ठीक है मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। कुछ लोग रट्टा मारते हैं कि जो आगे वाला होता है उसमें टाउ लिखते हैं और पीछे वाले में टी माइनस टाउ लिखते हैं, ठीक है जैसे आप ये करते ना e की पावर माइनस टू टी यू टी कॉन्वोल्यूशन e की पावर कॉन्वोल्यूशन यू टी, मान लीजिए निकाल रहे तो कुछ लोग क्या करेंगे इसमें टाउ पुट कर देंगे e की पावर माइनस टू टाउ यू टाउ और इसमें क्या पुट करते हैं यू ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ और इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इंफिनिटी पे, ये करते हैं सिंपली ऐसे याद रखें, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सही बताऊं इतना सब याद रखने की जरूरत कैसे इधर देखिए मुझे बताओ ये मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है अगर मैं t माइनस टाउ को p पुट कर दूं t माइनस टाउ को p पुट कर दूं तो d टाउ क्या आएगा माइनस dp टाउ, d टाउ माइनस dp और इसमें जरा चेंज लेके आओगे ये पुट करो जरा तो क्या बन जाएगा xt कॉन्वोल्यूशन ht क्या बनेगा जरा देखें इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जब tau की लिमिट माइनस इंफिनिटी रखोगे तो tau की लिमिट है tau के रिस्पेक्ट में रखना इंटीग्रेशन जब tau की लिमिट माइनस इंफिनिटी रखोगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस प्लस इंफिनिटी माइनस एक पहले से ना और tau की वैल्यू माइनस इंफिनिटी रखोगे तो p की वैल्यू प्लस इंफिनिटी बन जाएगी और जब tau की वैल्यू प्लस इंफिनिटी रखोगे तो p की वैल्यू क्या आएगी माइनस इंफिनिटी x of tau, tau की वैल्यू क्या आ गया tau is p minus p tau निकालो नहीं यहाँ से p minus p tau की वैल्यू पुट कर दी h of बताओ क्या आएगा h of p minus tau की जगह क्या कर दो p p और d d tau की जगह क्या कर दो minus dp minus dp और minus भाग गया एक ही बात है कोई दिक्कत तो नहीं इस minus और plus बनाने के लिए लिमिट को क्या कर दो उल्टा तो क्या बन गया ये बन गया xt convolution h t is equal to minus infinity to infinity h of p into x of t minus p dp सही है p किसी का p तो एक वेरिएबल है p किसी का मैं क्या रख सकता हूँ q r s t u v w x कुछ रखो tau क्यों ना रखो नहीं तो tau रखो तब आप क्या बनेगा ये क्या बनेगा from minus infinity to infinity h of tau x of t minus tau d tau xt convolution ht क्या सीखा हमने यहां से सीखा कि गलती से अगर इसमें tau की जगह इसमें tau पुट कर दिया इसमें t minus tau अगर गलती से उल्टा कर दिया आपने मतलब x h of tau कर दिया और x of में t minus tau कर दिया इसमें t minus tau कर दो इसमें tau कर दो क्या गलत होगा क्या सेम आएगा
इसका एक और मतलब है, अगर ये x की कॉन्वोल्यूशन h t है तो ये बनेगा h t कॉन्वोल्यूशन x t, ये बनेगा h t कॉन्वोल्यूशन x t। नहीं मैच आ गया है ना, अच्छा हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं x t कॉन्वोल्यूशन h t इज इक्वल टू h t कॉन्वोल्यूशन x t, ये बन गया। टाउ किसी में भी रख सकते हो, x टाउ h ऑफ t माइनस टाउ, x t माइनस टाउ h ऑफ टाउ, दोनों बराबर ही है, याद रखने की जरूरत नहीं। और ये बराबर इसका एक और मतलब ये है, क्या जरा सुनिए इसका क्या मतलब। आपको एक तुम सोना है, एक मैंने जो बताया ठीक है, मैं रखा था आज। तो मैंने बताया x t कॉन्वोल्यूशन h t इज इक्वल टू h t कॉन्वोल्यूशन x t, इसका एक और मीनिंग जरा देखिए। मैंने बोला कि ये मेरा इंपल्स रेस्पॉन्स है और ये मेरी इनपुट है x t, तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आएगी x t कॉन्वोल्यूशन h t, ठीक है। बट अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, इनको इंटरचेंज कर दूं, माने x t को मैं इनपुट बना दूं और x t को इंपल्स रेस्पॉन्स की जगह रख दूं, तो क्या आंसर आएगा, तो आंसर आएगा x t, सॉरी h t कन्वोल्यूट कन्वोल्यूशन x t। बट हम जानते हैं ये चीज और ये चीज क्या है, सेम सेम। इसका नाम हमने एक नई चीज सीखी, किसी भी एलटीए सिस्टम में अगर आप इनपुट और इंपल्स रेस्पॉन्स को इंटरचेंज कर देते हो, आउटपुट विल रिमेन सेम। बहुत बढ़िया चीज थी, और इसके बेसिस पे देखना बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सिंपल हो गए, ठीक है। तो इन इन एनी एलटीआई सिस्टम इफ आउटपुट एंड इनपुट आर इंटरचेंज्ड, देन सॉरी इनपुट एंड इंपल्स रेस्पॉन्स आर इंटरचेंज्ड, देन आउटपुट विल रिमेन सेम, ठीक है जी। किसी भी एलटीआई सिस्टम में अगर इनपुट और इंपल्स रेस्पॉन्स को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, ठीक है, आउटपुट सेम रहेगा, आउटपुट नहीं बदलेगा। जरा देखिए इसका क्या मतलब, इसके दूर तक मतलब जाएंगे, इसका मतलब दूर तक के निकलेंगे, जरा देखिए कैसे, वो जरा देखिए कैसे। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा कोई सिस्टम है, ये है डेल्टा टी माइनस टू और ये ई की पावर माइनस टू डी यू डी, बताओ क्या आउटपुट आएगा। अब आप बोलोगे सर इंपल्स का रेस्पॉन्स है ये, अगर आप इंपल्स डालोगे तो उसका रेस्पॉन्स क्या आएगा, t माइनस टू, तो आप e की पावर माइनस टू t u t, अगर इनपुट डालोगे तो क्या आ जाएगा, तो मुसीबत होगी। अगर ये इंपल्स के टर्म में होता तो फरार आंसर दे देते, वो इंपल्स का रिस्पॉन्स मुझे पता ही है, और अगर ये भी इंपल्स के टर्म में होता तो मजे आ जाते। अब तो मुझे लग रहा है कि अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन गया, नहीं क्योंकि इनपुट अब इंपल्स के टर्म में नहीं है, इसको इंपल्स के टर्म में लेंगे तो इंटीग्रल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, मुसीबत है, क्योंकि मैंने अभी इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो पता ही नहीं आपको, ठीक है, तो मुसीबत काम। तो मैंने बोला आप मुसीबतों से निकल गए, कैसे क्या कर सकते हो आप, फ्लिप इंटरचेंज कर सकते हो आप। एक काम करो जी, अगर आप ज्यादा दिक्कत है तो इसको मान लो इनपुट और इसको क्या मान लो इंपल्स का रेस्पॉन्स। अब बताओ अगर इंपल्स डालोगे तो उसका रेस्पॉन्स क्या बनेगा, ई पावर माइनस टू डी यू डी, और अगर आपने डिलेड इनपुट डाला तो डिलेड रेस्पॉन्स ई की पावर माइनस टू डी माइनस टू यू ऑफ ये कौन सी प्रॉपर्टी ने हेल्प की मेरी, कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन का इंटरचेंज वाली, नाम में क्या रखा है, नाम मत दो उसको, नाम दे रहा देखो अपना नाम दे, ठीक है आपका नाम से, ठीक है। बस सीधी याद, सीधी बात याद रखो कि भाई इनपुट और इंपल्स रिस्पॉन्स को अगर आप इंटरचेंज कर दोगे आउटपुट विल रिमेन सेम, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलटीआई सिस्टम में, ये ध्यान रखना एलटीए सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, हालांकि इसमें डिफिकल्ट है देखना, अभी तो ये बड़ा मुश्किल वाला काम है कॉन्वोल्यूशन, ठीक है, आप फंसोगे, ठीक है, बट हमारे पास तरीके हैं निकलने के, हमारे पास आसान तरीके, हम कॉन्वोल्यूशन को भी सॉल्व करेंगे, बड़ी ईजी वेज है। बट आप जो बेसिक चीजें है ना उनको समझिए एक बार, जिनको सीखना ही सीखना है, बेसिक टर्म उनको सीखो, मुश्किल चीजें उनके लिए और रूल है और नए रूल है, वो सीख लेंगे हम लोग, बट जो बेसिक टर्म है कॉन्वोल्यूशन के बारे में वो सारी जानकारी आप रखो, ठीक है।
जरा देखिए, मैं पॉल्यूशन को ग्राफिकल वे से भी समझाऊंगा आपको कि ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है सारा, ठीक है, मैथ्स का कुछ नहीं लगाया, मैं थोड़ी समझाया था, ठीक है। तो इसको ग्राफिकल बिहेवियर भी देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ में कैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ पॉल्यूशन को, ठीक है। जरा देखिए, एक तो मैं क्वेश्चन करवा दूँ, पहले थोड़ा बेसिक से क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा। अच्छा, मैं ये आगे बढ़ने से पहले एक बात पूछ रहा हूँ, ठीक है, मुझे बात बताइए, ये मेरे पास H1T है और मान लीजिए ये H2T है, दो सिस्टम बैक टू बैक लगे हुए हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे X इनपुट करूँ, L के दोनों, तो आप मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा XT कॉन्वोल्यूशन H1T, ये मेरी आउटपुट आएगी सिस्टम पहले वाले सिस्टम की। अब ये अगले सिस्टम के लिए क्या बन जाएगी, इनपुट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा XT कॉन्वोल्यूशन H1T, ये तो पहले वाले की इनपुट थी, कॉन्वोल्यूशन H2T, आंसर इज दिस, ये आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात आंसर आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, XT कॉन्वोल्यूशन H1T कॉन्वोल्यूशन H2T, हाँ कॉन्वोल्यूशन में कोई भी पहले कर लो, कोई भी बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अभी तो देखा हमने, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आगे लिख लो, कोई पीछे लिख लो, ठीक है, इनको आगे पीछे कर दूंगा तब भी आउटपुट सेम रहेगी, ठीक है, इनको ऐसे रखूंगा तब भी आउटपुट सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक सिस्टम बना सकता हूँ, एक नया HT बना सकता हूँ, इसलिए HT, कैसे, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, HT लिख लो, H1T कॉन्वोल्यूशन H2T, ये बन गया, और इनपुट क्या मेरा XT, अगेन आउटपुट वही है, आउटपुट वही है, ब्रेक लगाने की जरूरत क्या है, कोई जरूरत ही नहीं, समझे, कंफ्यूज करता है, मत लगाओ ना, तो इनको आगे पीछे कर सकता हूँ मैं, अभी सीखा मैंने, इनको आगे पीछे कर दो, ठीक है, या फिर बड़ा आगे पीछे क्या करना है, ऐसे कर दो, बट इन दोनों को मैं क्या सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब भी ऐसे बैक टू बैक आ रहे हैं, इनको इकट्ठा कर दो, इनको आप इकट्ठा कर दो, ठीक है, और एक में कर सकते हैं, ऐसे एक में ब्रेक करके तो आप सीधा कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर लो, अलग अलग कर लो, कैसे कर सकते हो, ठीक है, इनको इंटरचेंज कर दूंगा तो क्या आपको फर्क पड़ेगा, क्या देखो, अगर यहाँ पे H1 लगा दूँ, यहाँ पे H1 लगा दूँ, क्या आउटपुट बदलेगी, नहीं, क्या होता है, देखो आएगी XT कॉन्वोल्यूशन H2T, कॉन्वोल्यूशन H1T, कॉन्वोल्यूशन H1T, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही चीज है, वो आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई, आंसर मेरे नीचे, ठीक है, इसलिए देखिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और जरा देखिए बेसिक क्वेश्चन। मेरे पास ये कोई सिस्टम है, e की पावर माइनस टू टी यूटी, इसका इंपल्स रेस्पॉन्स है एलडीए सिस्टम, ठीक है, और यहां पे एक और सिस्टम है एंड इट्स इंपल्स रेस्पॉन्स इज डेल्टा टी माइनस टू, ठीक है, और यहां पे मेरा अलग सिस्टम है e बार माइनस थ्री टी यू टी, ये अलग सिस्टम है और ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये सम इनपुट, और यहां पे आउटपुट मिल रही है मुझे, और ये मैं इनपुट दे रहा हूं, दिस इज डेल्टा टी प्लस टू, ये मैंने इनपुट दिया और यहां से मैं आउटपुट दे रहा हूं, फाइंड दिस आउटपुट, बताइए क्या आउटपुट है, देखें यहां से ये इनपुट गई कितनी, डेल्टा टी माइनस टू, और यहां पर डेल्टा टी माइनस टू, सेम इनपुट दी दोनों में, प्लस टू डेल्टा टी प्लस टू, सॉरी दोनों में सेम इनपुट दी। अब यहां पर क्या मिलेगा आपको बताओ, इंपल्स का रिस्पॉन्स ये है, तो शिफ्टेड इंपल्स का क्या हुआ, टी प्लस टू ई पावर माइनस थ्री टी प्लस टू, टी प्लस टू यू ऑफ प्लस टू टी प्लस टू, हर जगह टी की जगह टी प्लस टू हो जाता है। यहां पर क्या मिलेगा बता देना, यहां पर t की पावर माइनस टू, t की जगह क्या करता हूँ, t प्लस टू, t प्लस टू यू ऑफ t प्लस टू, t प्लस टू, और इसकी वजह से क्या होगा बता दो, ये तो यहां पर अगर अक्ष के साथ कन्वर्ट करना, बट आप बोलोगे सर ये इसके साथ कैसे कन्वर्ट होगा, इसको उल्टा करो, इसकी जगह ये लिख लो, इसकी जगह ये लिख लो, बताओ क्या होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, e की पावर माइनस टू t, t की जगह पर t माइनस टू कर दो वापस, तो क्या बनेगा,
माइनस टू, टी की जगह पर टी माइनस टू करोगे तो एक 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 प्लस टू पहले से ही है, नहीं यू ऑफ टी की जगह टी माइनस टू कर दो और प्लस टू पहले से है। अब देखने समझे, अब बताओ क्या बन गया, ये वापस क्या बना, ये बन गया e की पावर माइनस टू टी यू। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, ऊपर से यार नीचे यार दोनों जुड़ गए, तो बताओ आउटपुट क्या है, आउटपुट इज e की पावर माइनस टू टी प्लस प्लस e की पावर माइनस थ्री टी प्लस टू यू ऑफ टी प्लस टू। ये लो जी, ये आउटपुट है, बेसिक कहानी, सिंपल क्वेश्चन है, कॉरिलेशन इंपल्स के साथ। तो इंपल्स के साथ कॉरिलेशन बड़ा आसान है, जो भी इंपल्स के साथ कॉरिलेशन है सिंपल एच टी ही होता है, ठीक है, शिफ्टेड इंपल्स है तो शिफ्ट करता है एच टी को, सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, तो मैंने आपको बताया किस तरह से इंपल्स, हम लोग इंपल्स के साथ कॉरिलेशन कैसे हम बताते हैं और कॉरिलेशन क्या होता है, ठीक है, उसको मैंने बताया, इसका ग्राफिकल मीनिंग भी देखेंगे, ठीक है, कॉरिलेशन ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखेंगे। बट मैं एक बार डिस्क्रीट सिस्टम्स में और बताना चाहता हूँ कि कॉरिलेशन डिस्क्रीट सिस्टम में कैसे होता है, ठीक है, वो जरा देखिए, डिस्क्रीट सिस्टम में भी देखते हैं, एक बार फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं और फिर हम फिर दोनों को दोनों थ्योरी एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है, दोनों के फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके कॉरिलेशन में कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उनको जरा देखिए। तो जरा देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट में देखिए, डिस्क्रीट में इंपल्स रिस्पॉन्स को हम लिखते हैं एच एन से, दिस इज माई एच एन, इसका ये इंपल्स रिस्पॉन्स, इसका मतलब अगर मैं इनपुट डेल्टा एन करूंगा, इंपल्स इनपुट करूंगा तो इंपल्स का रिस्पॉन्स मुझे पहले पता है आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इज एच एन, आउटपुट इज एच एन, समझ आया, इंपल्स अगर मैंने इनपुट किया इंपल्स की वजह से आउटपुट सेम आ गया क्योंकि ये खुद इंपल्स रिस्पॉन्स है और मैंने इनपुट भी क्या कर दिया, इंपल्स ही कर दिया। अगर टू डेल्टा एन किया होता तो टू एच एन आ जाता होमोजेनिटी, अगर डेल्टा एन माइनस एन नोट किया होता तो बताओ क्या आंसर आता, एच ऑफ एन माइनस एन, एन माइनस एन कौन सी प्रॉपर्टी बता जरा, टाइम इनवेरियंस, टाइम इनवेरियंस, ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, टाइम इनवेरियंस, क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट जरा देखिए, तो नेक्स्ट जरा देखिए, अब मैंने बोला कि डेल्टा की वजह से तो पता है, ठीक है, इसका मीनिंग सही क्लियर हो गया, भैया इंपल्स का रिस्पॉन्स है तो डेल्टा एन डाल देता सेम आ जाएगा, टू डेल्टा डाल देते टू से मल्टीप्लाई होगा, शिफ्टेड इंपल्स डाल देते शिफ्टेड इंपल्स रिस्पॉन्स आ जाएगा, सीधी बात क्योंकि इंपल्स का रिस्पॉन्स मुझे पता है। अगर मैं इनपुट एक्शन कर देता तो क्या आउटपुट आती, तो मैंने बोला जरा देखिए एक प्रॉपर्टी होती है क्या, एक्शन डेल्टा एन माइनस एन नोट, ये क्या होता है, एन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी क्या होता है, बता एक्सएन नॉट, ये होता है एक्स ऑफ एन नोट। अब इमेजिन करो मैं इस तरह से लेता हूं एक्स ऑफ टाउ डेल्टा एन माइनस टाउ एन टाउ फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, अब ये समझ में किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाउ, टाउ के रेस्पेक्ट में, तो आप बताओ टाउ की वैल्यू क्या पुट कर दे इसमें, एन एन टाउ की वैल्यू निकालो यहां से क्या आएगी, तो टाउ की वैल्यू पुट कर दो क्या आएगा, बता देंगे एक्स एन, एक्स एन, इसका मतलब एक्स एन को मैं डेल्टा एन की टर्म में लिख सकता हूं, नहीं एक्स एन को डेल्टा एन के समय सभी टर्म में लिख सकता हूं, उस सब भी सब रेट समझ आया। तो चलिए अब मुझे इंपल्स रिस्पॉन्स मुझे पता है, मुझे एक्शन की वजह से रिस्पॉन्स बता रहे कैसे, ठीक है, इंपल्स का रिस्पॉन्स मुझे पता है और मुझे एक्शन की वजह से रिस्पॉन्स चाहिए वो कैसे निकालते हैं, वो जरा देखते हैं, मुझे इंपल्स की वजह से रिस्पॉन्स पता है, मुझे एक्शन की वजह से रिस्पॉन्स चाहिए, तो वो जरा देखिए कैसे निकालते हैं, एक्शन की वजह से बताते हैं क्या होता है, डेल्टा एन की वजह से क्या रिस्पॉन्स बताओ जरा, एच एन दे रखा है, अगर मैं इसको थोड़ा डिले करूं एन माइनस टाउ उसकी वजह से क्या रिस्पॉन्स आएगा बता देना, वो आएगा एच ऑफ एन माइनस एन माइनस टाउ, डिले करोगे ये भी डिले हो जाएगा रिस्पॉन्स, इजी बात है, ठीक है, डेल्टा एन की वजह से एच एन है, डेल्टा एन माइनस टाउ की वजह से एच ऑफ एन माइनस टाउ होगा। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला टाउ कॉन्स्टेंट फिगर है अभी के लिए तो फिलहाल, हालांकि विद रिस्पेक्ट टू एन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब मैंने बोला मैं अगर एक्स टाउ से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो होमोजेनिटी क्या कहती है, अगर मैं इसको एक्स टाउ से मल्टीप्लाई करूंगा तो होमोजेनिटी क्या कहती है, इधर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स ऑफ टाउ से, ठीक है, होमोजेनिटी कहती है। फिर मैंने बोला कि मैंने इनको सुपरपोज कर दिया, समेशन लगा दिया, समेशन माने सुपरपोजन, और टाउ फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी,
तो आप बताओ इधर भी क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ एन माइनस टाउ, टाउ फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इधर भी वही लग जाएगा। लेकिन ये क्या बन गया, ये तो एक्स एन बन गया, तो एक्स एन की वजह से जो रिस्पॉन्स आएगा वो ये आएगा, दिस इज एक्स टाउ एच ऑफ एन माइनस टाउ, टाउ फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, समझ आया? ये किसकी वजह से रिस्पॉन्स है, बिकॉज ऑफ xn, xn की वजह से ये रिस्पॉन्स आएगा। और इसको मैंने नया नाम दे दिया, इट इज xn कॉन्वल्यूशन hn। बस फर्क ये है कि उसमें क्या था इंटीग्रेशन, इसमें क्या है समेशन, समेशन, समझ आया? डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट में वही चीज। तो जो आउटपुट आएगा xn की वजह से वो आएगी xn कॉन्वल्यूशन hn, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी tau from माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ tau एच ऑफ एन माइनस टाउ, बस यार। तो डिस्क्रीट में इस तरह से हो जाएगा, बस सिंपल वही के वही 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 के वही दुनिया पे लगा, बट कंडीशन ये है कैसा होना चाहिए, एलटीए। कन्वोल्यूशन इज डिफाइंड ओनली फॉर एलटीए सिस्टम, अगर मेरा सिस्टम एलटीए नहीं है आप कन्वोल्यूशन डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है? तो कन्वोल्यूशन इज डिफाइंड ओनली फॉर एलटीए सिस्टम। आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला देखिए मेरा पॉइंट, ठीक है? अगेन सेम वही रूल यहां पे भी आएंगे फिर से, ठीक है? जरा देखिए कैसे, कौन से वो जरा मैं बताता हूं आपको। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे कोई इंपल्स रिस्पॉन्स दे दे और इनपुट मेरी एक्शन है, आउटपुट ये आएगा, अगर मैं इनपुट डेल्टा एन डालूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, बता सेम एच एन ही आएगा आउटपुट, ये आएगा एच एन आएगा। बट इस रूल से क्या आएगा, एक्शन लिएगा क्या है डेल्टा एन, तो क्या लिख सकता हूँ इसको, इसको डेल्टा एन कॉन्वल्यूशन आउटपुट ये आएगी, ये आउटपुट ये होगी ना कॉन्वल्यूशन के साथ। तो अगर मैंने एक्शन डाला था आउटपुट ये आएगी, ठीक है? बट मैंने एक्शन की जगह डेल्टा एन कर दिया था, डेल्टा एन कॉन्वल्यूशन एच एन हो गई, बट मैं जानता हूं डेल्टा एन की वजह से यही रिस्पॉन्स आएगा, इसका मतलब दीज टू मस्ट बी सेम, नहीं समझेगा भाई? आप कुछ सोचो ना, एक्शन की वजह से ये है तो डेल्टा एन की वजह से क्या होगा, एक्शन की जगह डेल्टा एन कर दो, सही बात है। बट मैं तो जानता हूं कि डेल्टा एन की वजह से क्या रिस्पॉन्स होता है, सेम ही होता है, क्योंकि ये इंपल्स का रिस्पॉन्स है और इनपुट भी क्या है इंपल्स ही है, तो सेम ही आएगा। इसका मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, तो रूल बन गया कि डेल्टा एन के साथ अगर एचएन को कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, ऑलवेज एचएन क्या है, पिछला ये फिर से आ गया। अब बताइए अगर मैं डेल्टा एन माइनस एन नॉट के साथ कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा, बताओ भाई एच ऑफ एन माइनस एन, एन माइनस एन नॉट सेम वही। और अगर मैं डेल्टा ए एन प्लस बी से साथ करूंगा अब बताओ क्या आएगा, वन बाई मोड ए नहीं आएगा, डिस्क्रीट में वन बाई ए नहीं होता है, तो क्या आएगा बता रहा हूँ, एच ऑफ एन प्लस बी बाई ए, ध्यान रखिएगा भी डिस्क्रीट में वन बाई ए नहीं होता है, ठीक है? गलती नहीं करनी, समझ आया? आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है? अच्छा अगेन इसमें एन माइनस टाउ को क्या पुट कर दो, पी, फिर से वही सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा बता रहा, आप खुद चेक करना, ये समेशन ये बन जाएगा एच ऑफ टाउ इंटू एक्स ऑफ एन माइनस टाउ, टाउ फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये चीज और ये चीज बराबर है। इसका मतलब एक्स एन कॉन्वल्यूशन एच एन इज इक्वल टू एच एन कॉन्वल्यूशन एक्स एन, एक्स एन मानिए इनपुट और इंपल्स रेस्पॉन्स को मैं इंटरचेंज कर दूं आउटपुट विल रिमेन सेम, सेम वही डिटो, सेम वही क्यों क्या जो कंटिन्यूअस टाइम में था वही ना वही कहां पे आया डिस्क्रीट टाइम में, बड़ा इजी, ठीक है? आई होप आपको समझ आया, ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट जरा देखिए। आगे मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं मुझे कोई इंपल्स का रिस्पॉन्स दे रखा है एच टी और मैं आपसे पूछूं स्टेप रिस्पॉन्स क्या है, स्टेप रिस्पॉन्स वो कैसे निकालूंगा, मतलब यू टी की वजह से क्या आएगा, आप बताओ क्या आएगा, कैसे निकालूंगा यू टी को डेटा डिग्री हमने लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे, यू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल्टा टी फ्रॉम जीरो टू टी डी टी, क्या ये तो होता है क्या, माइनस इंफिनिटी टू टी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है? माइनस इंफिनिटी टू टी लिख लो, ठीक है? दिस इज यू टी। तो इसका मतलब है डेल्टा टी की वजह से एच टी पता है, अगर मैं इंटीग्रेशन लगा दूं इधर, अगर मैं इधर इंटीग्रेशन लगा दूं तो इधर भी क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन, सीधी बात है,
इस पे माइनस, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी है, सुपरपोजिशन, ठीक है, इधर भी आ जाएगा और ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा ut, तो ut का रिस्पांस क्या आएगा दादा, ut का रिस्पांस आएगा इंटीग्रेशन ht dt, ठीक है जी, dt फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू t, समझे, ये स्टेप रिस्पांस है। ऑलवेज याद रखिए, अगर मुझे कोई इंपल्स रिस्पांस दे रखा है उससे मैं क्या निकाल सकता हूं, स्टेप रिस्पांस, बस कुछ नहीं करना, उसको इंटीग्रेट कर दे, ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टेप रिस्पांस निकाल सकते हैं। ऐसे ही समझ लेना, जरा देखिए, मतलब डिस्क्रीट में अगर मुझे डेल्टा एन की वजह से रिस्पांस पता है एच एन, तो मैं यू एन की वजह से निकाल सकता हूं कि यू एन की वजह से क्या है, कैसे, पहले आप यू एन को रिप्रेजेंट कर, यू एन इज इक्वल टू समेशन डेल्टा एन एन फ्रॉम, एन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू एन, ठीक है, ये होता है यू एन। डेल्टा एन की वजह से पता है मुझे, तो यू एन की वजह से क्या है, पर डेल्टा एन पे बहुत सही क्या लगा दो, डेल्टा एन की वजह से एच एन है, तो इसके ऊपर समेशन लगा दो डेल्टा एन पे, एन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू एन, तो क्या बनेगा, इसकी वजह से जो बन गया यू एन, उसकी वजह से क्या बनेगा, समेशन एच एन एन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू एन, समझ आया, और ये बन गया यू एन, तो यू एन की वजह से मुझे रिस्पॉन्स आता, समझ आया। तो मैंने देखा कि अगर मुझे इंपल्स की वजह से रिस्पॉन्स पता है तो मुझे यू एन की वजह से रिस्पॉन्स पता है, स्टेप रिस्पॉन्स पता है, ठीक है। तो डेल्टा एन और यू एन का रिस्पॉन्स तो बड़ा ईजी है, ठीक है, उनकी वजह से मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, एच टी से निकाल सकता हूँ, ठीक है, बड़ा ईजी है। बट अगर इनके अलावा कोई डिफरेंट इनपुट आ गई तो हमें फिर कॉन्वोल्यूशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉन्वोल्यूशन का मतलब थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और उसकी गहराई में जाते हैं, बट थिंग इज वो थोड़ा सा बात देखेंगे, पहले इसको समझिए कि स्टेप रेस्पॉन्स कैसे हम निकालते हैं, ठीक है जी। आगे डेल्टा इंपल्स का रिस्पॉन्स होता है तो स्टेप रेस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर स्टेप रेस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है, आई होप आपको समझ आए, चलिए मैं रख, ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए। अभी तक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, दोनों डिस्क्रीट पे या फिर कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में, दोनों में आप आंसर निकाल सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए कैसे, डिस्क्रीट में तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि हर इनपुट को डिस्क्रीट में, हर इनपुट को क्या ले सकते हो आप, इंपल्स की टर्म में ले सकते हो, जैसे मान लीजिए ये इनपुट, इसमें तो बड़ा ईजी है, डिस्क्रीट में तो बड़ा ही आसान है, ये इनपुट है जीरो वन टू थ्री, ये आइटम वन और ये आइटम टू, और मान लीजिए आपको कोई एच एन दे रखा है, एच एन इज ई की पावर मतलब टू की पावर एन यू है, मान लीजिए, या वन बाई टू की पावर एन यू है, ठीक है, ये दे रखा आपको, जाना बताओ आउटपुट क्या है। तो जो भी मेरी इनपुट है एक्स एन, मैं उसको डेल्टा एन की टर्म लिखूं, क्या बनेगा दादा, डेल्टा एन प्लस टू डेल्टा एन माइनस टू प्लस डेल्टा एन माइनस टू प्लस डेल्टा एन माइनस थ्री प्लस, हो गया, और एच एन के साथ कॉन्वर्जन करते हो, आउटपुट क्या आएगा दादा, इसकी वजह से क्या आएगी, एच एन प्लस इसकी वजह से क्या आएगी, टू एच ऑफ एन माइनस वन प्लस एच ऑफ एन माइनस टू प्लस एच ऑफ एन माइनस थ्री, एन माइनस थ्री, सीधा सीधा समझ आया, इनकी वैल्यू पुट कर दो बस, सिंपल है, आई होप आपको समझ आया, ठीक है। तो कुल मिला के डिस्क्रीट में तो बड़ा आसान है, हर एक चीज को आप क्या ले सकते हो, इंपल्स की टर्म में ले सकते हो, ठीक है। पर एक प्रॉब्लम और आएगी सर, क्या इसमें प्रॉब्लम है, और वो क्या प्रॉब्लम है, उधर देखिए वो प्रॉब्लम है, अगर ये भी इंफाइनाइट तक आ जाए, कोई सीरीज आ जाए, ठीक है, फिर क्या करोगे, जैसे ये भी मान लीजिए ऐसा आ जाए, एक्स एन इज इक्वल टू मे बी आ जाए वन बाई फाइव के पावर एन यू, और ये आ जाए एच एन इज दिस, फिर क्या करोगे, फिर तो समेशन वाला रूट लगाना पड़ेगा, समेशन के जो कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला बना था वो लगाना पड़ेगा, वो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे लगाओगे, ठीक। बट अभी अभी बस जो सिंपल चीज है ना, मैंने उनको जो डेल्टा एन की टर्म में आ रही है, ये यू एन की टर्म में आ रही है, उनको जरा देखो, ठीक है, तो वो मैंने बताया। अच्छा, यू एन को एक और तरीके बता दो, अगर आपको डेल्टा एन की वजह से रिस्पॉन्स पता है ना एच एन, तो यू एन की वजह से एक और तरीके से निकाल सकते हो, यू एन की वजह से कैसे, मुझे बताओ, यू एन ऐसा होता ना, यू एन कुछ इस तरह का होता, क्या कहते हैं, तो दिक्कत नहीं कैसे आगे रख सकते, तो क्या मैं यू एन को ऐसा लिख सकता हूँ, यू एन इज इक्वल टू समेशन डेल्टा एन माइनस के फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, डेल्टा एन की वजह से एच एन है, तो डेल्टा एन माइनस की वजह से क्या बनेगा, एच एन माइनस के, ये बनेगा एच ऑफ एन माइनस के, और इसके ऊपर समय से लगा दूं अगर मैं के फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, तो ये बन जाएगा यू एन, ठीक है, और इसकी वजह से रेस्पॉन्स क्या बनेगा बता देना, एच ऑफ एन माइनस के फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, वही चीज है। आप लोगों के साथ नहीं, पहले तो आपने कुछ और लिखा था,
डेल्टा आपने क्या लिखा था, एच एन समेशन कहां से निकाल लेता माइनस इंफिनिटी टू एन तक, एक ही बात है, दोनों से सेम आएगा, निकाल के देखेंगे, ठीक है, सेम ही चीज, नॉट बैड। तो इस तरह से आपने कहा, ठीक है भाई, आगे बढ़े। अच्छा देख, मैं इसको रख रहा, तो मैंने बताया कि किस तरह से आप ये स्टेप रेस्पॉन्स निकालते हो, ठीक है, स्टेप का रेस्पॉन्स कैसे हम देंगे, ठीक। नेक्स्ट जरा देखिए एक तो क्वेश्चन लगे एल टी ए सिस्टम, मेरे को ये दिया गया है कि मान लीजिए मेरे पास ये सिस्टम है 0 to 1 और ये हाइट है 2, दिस इज एट हाइट 1 मान लो, तो एल टी ए सिस्टम है, दिस इज एल टी ए सिस्टम, एल टी ए सिस्टम है, आपको इसकी वजह से रेस्पॉन्स दे देता है, माय रेस्पॉन्स इज दिस 0, 1, 2 maybe this is one, मान लीजिए ये कोई सिस्टम एल टी ए सिस्टम, ठीक है, और ये इनपुट थी उसके रेस्पेक्ट, उसके रेस्पॉन्स मेरा ये आ रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ देते। अब मैंने बोला अगर मैं इनपुट ये डाल दूं, ध्यान से देखना, जीरो वन टू थ्री, दिस साइड इज वन, दिस साइड इज टू, दिस साइड इज माइनस, व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स, आउटपुट क्या है, आउटपुट कैसे होगा एल टी ए सिस्टम, ठीक है, तो जरा देखिए कैसे होगा, बड़ा आसान है, कैसे, अगर ये एफ टी है तो ये वाला हिस्सा क्या है, टू एफ टी और ये वाला हिस्सा क्या है, माइनस एफ टी, माइनस एफ ऑफ टी माइनस वन, शिफ्ट नहीं है, हाँ जी, आगे सब तक, और ये क्या है बता दो, एफ ऑफ टी माइनस टू, एफ ऑफ टी माइनस टू, तो इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन है ये है टू एफ टी प्लस प्लस ही माइनस, माइनस एफ ऑफ टी माइनस वन प्लस एफ ऑफ टी माइनस, ये मेरा पूरा फंक्शन है, और एफ टी की वजह से ये रेस्पॉन्स है, तो टू एफ टी की वजह से क्या होगा रेस्पॉन्स बताओ, होमोजेनिटी रूल, टू तक आ जाएगी हाइट, ये ट्वाइस हो जाएगा ना, अच्छा बहुत बढ़िया, ये तो यहाँ लगा रहा है, ये तो पहले वाले क्वेश्चन से होता है, ठीक है, अब दूसरे वाले क्वेश्चन से जरा देखिए, मैंने एफ ऑफ टी माइनस वन को ये इसकी वजह से क्या रहेगा, ये थोड़ा डिले हो जाएगा, वन डिले हो जाएगा, लेकिन भाग माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब ये ऐसा है, लेकिन एम्पलीट्यूड कहाँ तक आएगा, माइनस वन या डायरेक्ट टू, ठीक है, अब टू के बाद बताओ क्या होगा, इस पॉइंट के बाद बताओ, सीधा आ जाएगा, हाँ जी, इस पॉइंट पर आ जाएगा एफ ऑफ टी माइनस वन, इसका मतलब टी माइनस वन की वजह से क्या आएगा, सेम यही आएगा, ठीक है, और टू से डिले हो जाएगा, टू थ्री और ये क्या बनेगा, समझ आया, क्या होता है, बिकॉज ऑफ एंटी सिस्टम, लीनियर टाइम एलिमेंट सिस्टम, समझ आया, तो इस तरह से मैंने इसको बना दिया, आई होप आपको समझ आया, ठीक है, क्लियर है, इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, इसका रिस्पॉन्स भी कैसा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलो मेरा पता है, ऐसे डिस्क्रीट में भी कर सकता हूँ, ऐसा ही मैं डिस्क्रीट में भी लगा सकता हूँ, चलिए, कई बार क्या होता है, कई बार आपको इनपुट देखे और आउटपुट देखते हैं और आपसे पूछते हैं बताइए सिस्टम मेरा स्टैटिक है कि डायनेमिक है, ठीक है, कोजल है कि नॉन कोजल है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है, ये जरा देखिए, ऐसा देखिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ ये इनपुट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट भी है और आउटपुट इस तरह के मान लीजिए 0, 1, 2 डिवाइडेड, ये आउटपुट दे रखे आपको और आपसे पूछा है ये कोई सिस्टम था, ये इनपुट थी और ये आउटपुट है, मुझे ये बताइए कि सिस्टम कैसा है, सबसे पहला कोजल है कि नॉन कोजल, सबसे पहले ये बताइए कोजल है कि नॉन कोजल, कैसे देखते हैं, इनपुट मेरी जीरो से स्टार्ट हुई है, आउटपुट भी जीरो से स्टार्ट हुई है, ठीक है, इनपुट मेरी वन पे खत्म होगी, आउटपुट मेरी कहां तक खत्म हुई है, टू तक, इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट जो है वो इनपुट से पहले नहीं आ रही, सिंपल बात, आउटपुट जो है वो इनपुट से पहले नहीं आ रही, अगर आउटपुट मेरी इनपुट से पहले आ गई, जीरो से पहले शुरू हो जाती है, इसका मतलब इनपुट के बाद ही आउटपुट आ गया, बिल्कुल सही,
इसका आंसर सिस्टम कैसा है? कॉस ऑफ, समझ आया? क्लियर हुआ? कॉसल क्यों बोला मैंने? क्योंकि इनपुट जीरो से स्टार्ट हो रही है, आउटपुट भी जीरो से स्टार्ट हो रही है, जीरो के बाद ही आ रही है। फिर आप बोलोगे सर इनपुट तो खत्म होगी मन पे, कोई बात नहीं, इसने कुछ स्टोर कर लिया एनर्जी, उसकी वजह आउटपुट आई है बाद तक, ठीक है। इसका आंसर सिस्टम कैसा है? कॉस ऑफ, समझ आया? कॉसल क्यों बोलना मैंने? कॉस ऑफ कॉसल तो है। दूसरा क्या है? स्टैटिक एंड डायनेमिक है। इनपुट मेरी खत्म हो गई है, अगर स्टैटिक होता, स्टैटिक होता तो यहां पे इनपुट जीरो हो गई, आउटपुट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब जो ये आउटपुट है यहां पे जो t = 1.5 सेकंड का आउटपुट आ रही है मान लीजिए, वो कौन सी इनपुट पे डिपेंड कर रही है? पास्ट इनपुट। वो प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड नहीं कर रही ऑब्वियसली, बिकॉज़ वो तो जीरो है, सीधी बात है पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रही है, नहीं होगी। तो इसका मतलब कैसा सिस्टम है? डायनेमिक। ये सिस्टम आपका डायनेमिक, ठीक है। अच्छा बीबो बाउंडेड इनपुट है, इनपुट फाइनाइट है ना, तो आउटपुट भी बाउंडेड है। इसका मतलब कैसा है? स्टेबल, स्टेबल, स्टेबल। और क्या रहेगा? लीनियर नॉन लीनियर। अब ये कैसे, ये नहीं बता सकते, ठीक, ये नहीं बता सकते, ठीक है। ये कैसे लीनियरिटी, वो तो रिलेशन बता तो नहीं बता सकते, ठीक है, पता नहीं कैसे बनी है, ठीक है। तो लीनियरिटी पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। इनवर्टिबल है जी, इनवर्टिबल नॉन इनवर्टिबल पे भी नहीं कर सकता, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मैंने फिलहाल इन सब पे मैंने कमेंट किया, स्टेबल भी रहेगा, डायनेमिक रहेगा, कॉजल रहेगा, ठीक है। टाइम वेरिएंट की इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट की इनवेरिएंट, वो भी डिपेंड करता है रिलेशन पे, किस तरह के रिलेशन पे मुझे पता नहीं ना, ठीक है। आपको पता नहीं ना कैसे आए, जब तक आपको इनपुट और आउटपुट की रिलेशन नहीं पता आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो बस फिलहाल ये है, ठीक है, ठीक है भाई। तो चलिए आप ये कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम फाइनल कन्वोल्यूशन के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और उसको और एक्सप्लोर करेंगे, और मे बी नेक्स्ट क्लास में हम कन्वोल्यूशन को देखेंगे कि इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, कहाँ से बना, इसका दूसरी तरह से मतलब निकालेंगे, ठीक है, कन्वोल्यूशन का, एंड देखते हैं और क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास अभी नेक्स्ट क्लास, ठीक है, कन्वोल्यूशन को आप थोड़ा और बेहतर समझेंगे और एलटीआई सिस्टम को थोड़ा और क्वेश्चंस करते हैं एलटीआई सिस्टम के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।